नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल जिसका नाम है यूपीएससी वन जीरो वन आप सबका स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल पे गाइस एक रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा सो दैट एवरीबडी कैन कम ज्वाइन कमेंट ज्वाइन द सेशन अर्स रंधावा टारगेट यूपीएससी विनीत सबका स्वागत करता हूँ कन्फ्यूज सोल एलिजाबेथ अरे ऐसे नाम रखो नुसरत सरस्वती प्रियंका रचिता सोनिया आप सबका स्वागत है ठीक है आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पे गाइस एक बार जल्दी से प्लीज आ जाइए फटाफट से लाइक कर दीजिए वीडियो को शेयर कर दीजिए एवरीबॉडी कैन कमेंट जॉइन सेशन सारे लोग आ सके हमारे साथ सेशन को जुड़ सके चलिए नाउ लेट्स बिगिन द क्लास क्लास को शुरू करते हैं तो सबसे पहले आज बात कर लेते हैं दोस्तों वी आर अबाउट द नवंबर नवंबर थर्टी हम तीस नवंबर के करंट अफेयर यहां पे डिस्कस करने वाले हैं यहां पे हम इंडियन एक्सप्रेस हो गया प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो हो गया द हिंदू हो गया सारी चीज़ें हम यहाँ पे करने वाले हैं दोस्तों सो तो आप सभी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ साथ साथ अगर आप यूपीएससी पी है तो यू कैन नॉट इग्नोर दीज चैनल्स आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते जोग्रफी वन जीरो वन यू वन जीरो वन करंट अफेयर वन जीरो वन और एन सी टी वन जीरो वन ये सारे चैनल आपको मेरे साथ जोड़ेंगे और आपकी यूपीएससी की तैयारी को एक नई दिशा में आसान अच्छी दिशा में लेके जाएंगे आप ना मेरे साथ यार अकेडमी के ऐप पर भी जुड़ सकते हो मेरे साथ जुड़ने के लिए बस आपको मेरा नाम सर्च करना है जाके वहां पर वैसे मुझे आप सुमित राठी के नाम से जानते हो बट ऐप पे मेरा नाम जो है वो सुमित कुमार है तो एक बार वहां पे जाओगे आप मुझे सर्च करोगे इसके बाद ना तुरंत फॉलो कर लेना वहीं पे वहीं की वही दो मिनट में फॉलो कर लेना फॉलो करने से फायदा ये होगा कि कोई भी क्विज अगर आप मान लो कर रहे हैं <coughs> कोई भी स्पेशल क्लास अगर हम करते हैं या कोई भी प्लस कोर्स अगर हम करते हैं तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा ये सबसे बड़ा फायदा है यही नहीं दोस्तों यहां पर मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मेरा कोड भी यूज कर सकते हैं मेरा कोड रहेगा सुमिट टेन सुमिट टेन आप जैसे यूज करेंगे अगेन आपको मिलेगा दोस्तों डिस्काउंट एन अशोर्ट गाइडेंस बाय मी जिन बच्चों ने मेरा कोड यूज करके यानी कि सुमिट टेन कोड यूज करके एन अकेडमी को सब्सक्राइब किया है उनसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी जो रिसिप्ट होती है ठीक है वो आप मुझे क्या कर दीजिएगा मेल कर दीजिएगा जैसे ही आप मुझे मेल करेंगे आई यू इन माई ग्रुप मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड करूंगा और आपकी पूरी जो है गाइडेंस जो है उसकी जिम्मेदारी मेरी रहेगी अभी ऑफर चल रहा है दोस्तों बढ़िया ऑफर है बाकी वैसे भी आपको पता है अभी तो एक ऑफर और भी चल रहा है ठीक है कोई बैच का अपना ऑफर है प्राइस 48 परसेंट जो है वो डिस्काउंट पे चल रहे हैं जो ये प्राइस है अभी के लिए यानी कि दो दिन के लिए ये प्राइस सिर्फ और सिर्फ उनचास हजार रुपए के अंदर है सिर्फ उनचास हजार रुपए के 18 महीने के अंदर यही नहीं अगर आप सिक्स मंथ का लेना चाहते हैं तो सिक्स मंथ का भी ले सकते हैं सिक्स मंथ का जो प्राइस चल रहा है दोस्तों अभी वो है सिर्फ पच्चीस यार ठीक है तो मेरे हिसाब से यार एटीन मंथ की तैयारी अगर आप कर रहे हो और अगर आप उनचास खर्च करते हो तो बुरी बात नहीं है ठीक है आप थोड़ा सकते हो यार ठीक है आप कर सकते हो तो जाइए जल्दी से फटाफट से मेरा कोड याद रखना है आपको सुमिटन यूज कीजिए जाके सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा टेलीग्राम चैनल भी है मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ जाइए दोस्तों जो बच्चा नहीं जुड़ा है प्लीज फॉलो इट अकबर जाके फॉलो कर लीजिएगा मुद्दा है हाँ का एक नया टॉपिक है हमारे पास कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज ठीक है दिस इज द टॉपिक कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस क्या होता है कार्बन कैप्चर क्या होता है कार्बन स्टोरेज क्या होती है कार्बन यूटिलाइजेशन अब हुआ क्या यार मैं आपको बता दूं अब आपसे तो देखो क्या ही छुपाना है ठीक है आपको से तो क्या ही छुपाना है और छुपा भी क्या है आपको सब पता है हम इतनी ज़्यादा जो कार्बन एमिट कर रहे हैं ठीक है किसी भी फॉर्म में आप जो कार्बन एमिट कर रहे हो वो कार्बन एटमोस्फेयर में जा रही है ठीक है वायुमंडल में वो कार्बन किसी ना किसी फॉर्म में आपका जा रही है और वो कार्बन जो है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर में जाके कुछ नकारात्मक प्रभाव को जन्म देती है जिसके अंदर में एक बड़ी चीज़ क्या है ग्लोबल वार्मिंग सब लोग जानते हो जो जानता नहीं है कमेंट बॉक्स में कहीं बताइएगा कि सर हमको ना पता है कोई बात नहीं यार अक्षय तबीयत मेरी भी डाउन है भाई देख रहे ना गला वाला सब बैठा पड़ा है जाम हूँ जा मैं भी लेकिन ये आज का काम कल पे छोड़ना नहीं बहुत बड़ी दिक्कत है और मेरी ज़िंदगी में ना मैंने पहचाना है यार ये आप कर लो ऐसे आराम करो रेस्ट करो ठीक है दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम बट स्टूडेंट जीवन में ना स्टूडेंट लाइफ के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है ना वो यही होती है कि आज का काम हम कल पे छोड़ देते हैं या आज का कल पे नहीं आता देखो मैं इस चीज़ को भुगत चुका हूं मैं भुगत भोगी आदमी हूं यार इसीलिए मैं आपको बताता हूं ठीक है हम इसे लाइफ में है ना सारे के सारे ज़्यादा नहीं हूं मैं पाँच सात साल बड़ा हूं आपसे तो कभी भी ना स्टूडेंट लाइफ में कुछ भी कर लेना लेकिन ये कभी मत करना कि आज का काम हम कल पे छोड़ दें कि यार नहीं कल करेंगे ना नेवर एवर बाकी कुछ भी करो आप ठीक है लेकिन आज जो आपने डिसाइड किया है ना ठीक है छोटे छोटे गोल बनाओ छोटे छोटे टारगेट सेट करो या अचीव करो उनको ठीक है दिस इज द लाइक ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है जो आपको करनी चाहिए अदरवाइज दिक्कतें आपके लिए बहुत बढ़ जाएगी मुश्किल हो जाएगी कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज मैंने क्या बताया देखो हम क्या कर रहे हैं हमारे पास यहां पर क्या है बहुत सारी इंडस्ट्री है ना ठीक है हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री है उद्योग है इन उद्योगों से क्या हो रहा है दोस्तों आपका धुआं निकल रहा है ये धुआं क्या है दोस्तों दिस इज कार्बन यही धुआं क्या है दोस्तों कार्बन हम इस कार्बन को जो ये सी टू हम निकल निकल रहा है से ठीक है हम इस कार्बन को क्या कर सकते हैं दोस्तों कैप्चर कर सकते हैं हमारे पास टेक्नोलॉजी है है ना तो अभी तक हम बात कर रहे थे कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज की सीसीएस की मैंने आपको एनवायरमेंट के अंदर पढ़ाया हुआ है ठीक है अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो भाई प्लीज जाइए एक बार जरूर उसको जरूर से जरूर देखिए मैंने पढ़ाया हुआ है तो एक चीज है यहाँ पे कार्बन मतलब कैप्चर है कार्बन है, को तो इससे क्या होगा कि जैसे ही कार्बन एटमोस्फेयर में जाती है तो जो इसके इमीडिएट इफेक्ट आते हैं ग्लोबल वार्मिंग में वो नहीं होंगे है ना तो हम क्या कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग को डिफर कर रहे हैं थोड़े दिनों के लिए टाल रहे हैं इसको बोलते हैं कार्बन कैप्चर और स्टोरेज अब हम एक और कॉन्सेप्ट पे आ गए हम कहने लगे हैं कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन स्टोरेज ठीक है इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारी औद्योगिक प्रक्रियाएं हो रही हैं एक्स वाई जेड कोई भी हो रही हो ठीक है यहां पे हो रही है ये औद्योगिक प्रक्रियाओं के बाद से बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड सीओ टू रिलीज हो रहा है इस सीओ टू को हम क्या कर रहे हैं दोस्तों कैप्चर कर रहे हैं ठीक है पकड़ रहे हैं कैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी वी हैव द डिफरेंट टेक्नोलॉजी एंड बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दोस टेक्नोलॉजी वी आर कैप्चरिंग दिस कार्बन सीओ टू पकड़ लिया हमने यहां से अब इस सीओ टू को क्या कर दिया हमने कंप्रेस कर दिया गैस फोम में होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस फोम में था हमने इसको इसको कंप्रेस कर दिया इसको हमने लिक्विड बना दिया और फिर पाइपलाइन के माध्यम से या ट्रांसपोर्ट जो कंटेनर है उसके माध्यम से हमने इसको क्या कर दिया दोस्तों ट्रांसपोर्ट कर दिया अब यहां से ट्रांसपोर्ट करने के बाद हम दो काम कर सकते हैं या तो हम इसको स्टोर कर सकते हैं स्टोर कर दिया या हमारे पास ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एज ए रॉ मटीरियल यूज होता है तो उसको हम रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं मुद्दा समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों भाई बात समझ में आई कि नहीं आई गाइज फटाफट जल्दी से कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे आप ठीक है दिस इज द फर्स्ट टॉपिक पहला टॉपिक है ठीक है पहला टॉपिक है यार सुनो आ, कहना की दीवानी कह रही है सर एनसीआर की क्लास ठीक है कल ही मैं आपको नया टाइम टेबल ठीक है सब कुछ देने वाला हूं यार बस अच्छा अब मैं यार सब तुम सरप्राइज सारा खोल दोगे यार ठीक <laughs> है वी आर लाइक हम किसी किन लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं तो प्र, प्रोग्राम था एक तारीख का बट शायद दो तारीख को होगा एंड जो बच्चे यार रूबरू होना चाहते हैं ज़्यादा दूर वाले बच्चों को नहीं कहूँगा जो दिल्ली के आसपास रहते हैं ठीक है जो दिल्ली के आसपास रहते हैं मुखर्जी ओल्ड राजेंद्र नगर के आसपास तो अगर वो आप मिलना चाहते हो तो वो भी हम मिल सकते हैं ठीक है तो अभी एक कॉन्टेस्ट रन करेंगे आप लोगों से मिलूंगा बातचीत करेंगे रूबरू होंगे आपसे और हमारे कुछ और मेंबर हैं हमारी टीम के उनके साथ में तो उनको भी मैं लेके आऊंगा उनको भी इंट्रोड्यूस करना है हमें सो कार्बन कैप्चर की हम बात कर रहे थे कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज सो सोर्स है यहां पे हमने क्या किया ये बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही देखो ये कार्बन आ कहां से रही है दोस्तों पहले के टाइम पे क्या हुआ था ना ऐसा माना जाता है कि पहले धरती उलत पुलत हुई थी ऐसे हम छोटे तब पढ़ते थे कि पहले धरती बहुत सारे जीव होते थे ठीक है उसके बाद कुछ ऐसा बड़ा हुआ कि ये सारे जीव जंतु पेड़ पौधे ना सब धरती के नीचे दब गए ठीक है जब दब गए तो इन्हीं जीवों के अंश से आज क्या बना है जीवाश्म इसी को हम क्या कहते हैं जीवाश्म और जीवाश्म को हम क्या कहते हैं दोस्तों जीवाश्म को हम कहते हैं इंग्लिश में फॉसिल अब सुनो ये यार ये फॉसिल जो है ना इसके अंदर क्या है इसके अंदर में आप देखो एक पेड़ पौधा एक जो पेड़ होता है ना अपनी पूरी लाइफ के अंदर में वो कार्बन अप्सॉर्व करता है एक पौधा है ना पूरे जीवन काल के अंदर में वो बहुत सारी कार्बन को सोखता है और वो जो कार्बन सोखता है अपने पूरे जीवन काल के अंदर में अब जब वो पेड़ के अंदर में वो स्टोर होते हैं उसकी टहनियों में उसके पत्तियों में अब वो पेड़ मर गया तो हमने वो नीचे दब गया तो वो जो सारा कार्बन था वो ट्रांसफॉर्म हो गया किसके अंदर में फॉसिल के रूप में कोयले के रूप में क्रूड ऑयल कच्चे तेल के रूप में ठीक है अब हम क्या कर रहे हैं इंडस्ट्राइजेशन औद्योगिकरण हमने उसको निकाल लिया फॉसिल को अब उस फॉसिल के अंदर में क्या था दोस्तों उसके अंदर में कार्बन कंटेंट था हमने उससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस की हमने उससे एनर्जी प्रोड्यूस की जैसे कोयला जला दिया तो एनर्जी तो हमें मिल जाती है लेकिन जो उसमें कार्बन थी वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में एटमोसफेयर में निकल जाती है और भी गैस निकलती है जैसे मीथेन हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया वो भी निकलती है तो ये जो गैस निकलती है ना भाई ये गैस ग्रीन हाउस गैस है और ये गैस ग्रीन हाउस गैस जाके क्या करेंगी बाद में हमारे जो क्लाइमेट है उसको प्रभावित करेगी जिसको एक, एक एक बड़ा ही मेजर जो है फिनोमिना आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग तो ये सारी जाके क्या करेंगी आपका ग्लोबल वार्मिंग करेंगी अब उस ग्लोबल वार्मिंग से हम कैसे बच्चे? देखो पहला तरीका तो यही है यार सबसे अच्छा कि हमें जो है, ऐसी रिलीज हो हमें, क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट होना चाहिए बट कुछ चीजें ऐसी जो इमीडिएट नहीं कर सकते हम आप इंडिया को बोलो कि आपने थर्मल पावर प्लांट बंद करो रिन्यूएबल एनर्जी पर चले जाओ देखो वी आर ट्राइंग हम कर रहे हैं ठीक है हमने सोलर एनर्जी के अंदर अच्छा खासा किया हम विंड एनर्जी इंस्टॉल कर रहे हैं इंटरनेशनल भारत उसको लीड कर रहा है और भारत ने बहुत तगड़े जो है इस फील्ड के अंदर कदम उठाए हैं बट रेडिकल कुछ नहीं हो सकता है यार है ना तो वो चीज तो हम भूल जाए तो अब एक दूसरी चीज और है कॉन्सेप्ट बहुत है जैसे हम बात करते हैं ना सर ये जो हमारे सामने एक बड़ी प्रॉब्लम मुंह खोले खड़ी है तो इसका समाधान मल्टीपल तरीके से किया जा रहा है एक मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी हम इसके लिए बना रहे हैं तो एक स्ट्रेटेजी तो क्या है ठीक है ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं वो धीरे धीरे हम कर रहे हैं दूसरा क्या है कि ठीक है यार एक काम करो जब तक कुछ नहीं हो रहा ना ये कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने लग जाओ और उसी के लिए हमने क्या किया कि भैया जहां से जिन प्रोसेस से कार्बन इमिट हो रही है उसको क्या करो कैप्चर करो पकड़ लिया कैप्चर करने के बाद उसको कंप्रेस करो कंप्रेस करने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट करो ट्रांसपोर्ट करने के बाद उसको यूज करो यूटिलाइज करो और यूटिलाइज करने के बाद क्या करो ठीक है या या तो यूटिलाइज कर लो या कर लो लो स्टोर ठीक है दोनों ही चीजों में क्या है दोस्तों फायदा है तो इसी के ऊपर आज नीति आयोग ने ना एक रिसर्च पेपर जारी किया है ठीक है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज इसके ऊपर नीति आयोग नीति आयोग नाम सुना है तो नीति आयोग ने एक रिसर्च पेपर जारी किया है उसने बताया कि भाई कैसे कैसे क्या चल रहा है ठीक है इसके अंदर में दुनिया भर के अंदर में इसका क्या माहौल है इसके क्या फायदे हैं वो सब मैं आपको यहां पर पढ़ाऊंगा सो so, नीति आयोग प्रपोज डी कार्बनाइजिंग ऑफ एमिशन दिस इज पार्ट ऑफ द हिंदू देखो कहा हुआ है दोस्तों द हिंदू के अंदर आया हुआ है एंड वी आर डिस्कसिंग इट इसको हम क्या कर रहे हैं डिस्कस कर रहे हैं द हिंदू का पार्ट है So, क्या कह रहा है दोस्तों जीएस पेपर तीन पॉल्यूशन एंड कंजर्वेशन रिलेटेड इश्यूज आपके पॉल्यूशन और कंजर्वेशन इश्यूज हैं आपके नीति आयोग ने अभी एक स्टडी रिपोर्ट रिलीज की है दोस्तों जिसको उसने नाम दिया है पॉलिसी फ्रेमवर्क और कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज जो पॉलिसी ये जो रिसर्च पेपर आया है दोस्तों ये स्टडी रिपोर्ट जो इसने जारी किया है नाम क्या है पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज आप देखोगे कार्बन

डी कार्बनइंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम हाई पोलूटिंग सेक्टर स्टील गैस पेट्रोकेमिकलिकल एंडलाइजर ये कुछ ऐसे उद्योग है हमारे दोस्तों ठीक है जिनको हम हाई कार्बन डाइऑक्साइड जो है हाई पोल्यूटिंग सेक्टर कहते हैं क्योंकि इनसे बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ये सेक्टर ऐसे है हमारे जैसे स्टील का हो गया सिमेंट का हो गया

कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज इसकी भूमिका जो है वो बहुत 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 क्या होने वाली है महत्वपूर्ण होने वाली है अब क्या है सर कार्बन जो है अबाउट कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज क्या है तो देखो कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन स्टोरेज मैंने आपको बता दिया क्या होता है दो चीजें हैं यहां पे दो अलग अलग नाम है एक तो है कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज ठीक है एक है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज कार्बन कैप्चर स्टोरेज के अंदर क्या कर रहे हैं हम कार्बन को पकड़ रहे हैं ठीक है पकड़ के उसको स्टोर कर रहे हैं बस ठीक है हमने अंडरग्राउंड रॉक हमारे पास है ठीक है जियोलॉजिकल रॉक्स होती है उसके भीतर हम भर दिया ठूस के भर दिया हमने बस ये कर रहे दूसरे में क्या है कि यार हमारे पास बहुत सारी ऐसी प्रोसेस भी है ना जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड इज अ रो मेटीरियल यूज होता है जैसे कार्बोनेट्स जब हम बनाते हैं तो उसमें यूज होता है तो वहां पर क्या कर लो इसका इस्तेमाल कर लो दो तरीके हैं तो कह रहे कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज जो है दीज आर टेक्नोलॉजी दैट हेल्प इन प्रमोटिंग द लो कार्बन हाइड्रोजन इकोनमीम इनसे एटमोस्फेर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम इमीडिएटली रिमूव कर सकते हैं एंड वी कैन स्टॉक दिस कार्बन डाइऑक्साइड समवेयर एल्स ठीक है हम इनको क्या कर सकते हैं दोस्तों हम इनको कहीं और जाकर स्टो, आ, जो है स्ट, आ, स्टोर कर सकते हैं कार्बन कैप्चर स्टोरेज ठीक है इज अ वे ऑफ रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन फ्रॉम पावर जनरेशन और इंडस्ट्रीज एक्टिविटी स्टील एंड स्टील सीमेंट मेकिंग तो यही कह रहा है कि दोस्तों आपकी जो ऐसी हाई कार्बन प्रोड्यूसिंग या इंडस्ट्रीज होती हैं उनके अंदर से आप क्या कर सकते हो कुछ टाइम के लिए कार्बन को निकाल के आप स्टोर कर सकते हो इट इज अ वे टू रिड्यूस कार्बन एमिशन बाय आइदर स्टोरिंग और रीयूजिंग इट है ना दोनों बात हो रही है दोस्तों ये कार्बन उत्सर्जन को या तो भंडारण करके या उसका पुनः उपयोग करके कम करने का एक तरीका है ताकि ठीक है कब्जा कर लिया जाए और कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में प्रवेश ना करे ताकि हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर ले कैप्चर कर ले और वो दोबारा से प्रवेश ना करे द डिफरेंस बिटवीन सीसीएस मैंने बता दिया और सीसीयूएस में क्या है इसमें हम सिर्फ कैप्चर करके स्टोर कर रहे हैं बट यहां पर हम क्या कर रहे हैं हम उस का, कैप्चर कार्बन को दोबारा से यूटिलाइज कर रहे हैं द कैप्चर्ड कार्बन कुड बी यूज इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस बाय कन्वर्टिंग इट ठीक है फॉर एक्जाम्पल प्लास्टिक में कॉन्क्रीट के अंदर में बायोफ्यूल के अंदर इसका इस्तेमाल होता है तो ये जो कैप्चर की हुई कार्बन है इसको आप क्या कर सकते हो औद्योगिक क्रियाओं में इसका उपयोग कर सकते हो धारण है हमारा प्लास्टिक क्षेत्र में कंक्रीट के क्षेत्र में यानी कि जैव ईंधन के क्षेत्र में इन क्षेत्रों के अंदर में आप इनको इस्तेमाल में ला सकते हो अब हम बात करते हैं सर क्या प्रोसेस क्या है व्हाट इज द प्रोसेस देखो प्रोसेस सिंपल है साधारण है जो मैंने बताया था द प्रोसेस स्टार्ट विद कैप्चर ऑफ जनरेटेड कार्बन CO2 जो आप जो भी कुछ कर रहे हो जो भी प्रोसेस कर रहे हो ठीक है जो भी औद्योगिक प्रक्रिया है जिसके अंदर में कार्बन निकल रही है तो ही बात है आपको कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट यंत्र तो रखने पड़ेंगे क्योंकि जब आप कैप्चर करोगे तो आप पूरी हवा कैप्चर करोगे और उस हवा में से फिर कार्बन को आप अलग करोगे बाकी गैसेस को आपको एटमोस्फेयर में दोबारा छोड़ना पड़ेगा तो कह रहा है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कार्बन को कैप्चर करना है पकड़ना है स्टोर करना है ठीक है पकड़ के आप उसको क्या करोगे कंप्रेस करोगे क्योंकि वो तो गैस फॉर्म में होगी फिर उसको जो है वैसे ट्रांसफर करने में बहुत दिक्कत होगी तो उसको कंप्रेस करो कंप्रेस करके उसको क्या करो एक डेंस फ्लूड के अंदर कन्वर्ट करके देन फिर हम उसको क्या करेंगे ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ईजी हो जाता है कार्बन को ट्रांसपोर्ट करना ये डेंस फ्लूड जो होता है या तो फिर इसको पाइपलाइन है हमारे पास बहुत सारी पाइपलाइन के माध्यम से ठीक है या एक काम करते हैं कि फिर हम इसको पाइपलाइन नहीं है तो फिर अंडरग्राउंड स्टोर कर देते हैं धरती के नीचे बाद में जरूरत होगी तब निकाल लेंगे या फिर इसको पाइपलाइन के माध्यम से क्या कर दो आप ट्रांसपोर्ट कर दो ये जो फिर कैप्चर CO2 है ना इसको भी आप यूज कर सकते हो एज अ रॉ मटेरियल क्योंकि हमारी बहुत सारी प्रोसेस ऐसी हैं जैसे बाइकार्बोनेट वाली है ना तो इन बाइकार्बोनेट जैसी औद्योगिक अन्य औद्योगिक प्रक्रिया जो है इसमें कच्चे माल के रूप में भी इनको इस्तेमाल में लाया जाता है गेटिंग माय पॉइंट समझ पा रहे हैं दोस्तों मेरी बात आप ये ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं यार गाइस एक बार प्लीज वीडियो को लाइक तो कर दो यार यार एक बार लाइक तो कर दो यार लाइक ही नहीं कर रहे हो तुम यार एक बार जल्दी से लाइक और शेयर करो फटाफट सारे के सारे बच्चे यार सबकी जिंदगी में दुख अलग अलग हैं। सबकी जिंदगी में दुख अलग अलग हैं। हाँ बारह रुपये का आता ये एक टाइम ऐसा था जब मैंने द हिंदू पढ़ना शुरू किया था तो सिर्फ और सिर्फ चार रुपये का आता था, था उस टाइम पे हाँ चार का आता था और आज ये कह रही हैं मोहतरमा कि द हिंदू अब तेरह रुपये का हो गया तो इतना महंगा हो गया है यूपीएससी पी एस्पेरेंट की वजह से अच्छा अब ये जो कार्बन तुम पकड़ोगे ठीक है इसको कहाँ का इस्तेमाल कर सकते हो खेती के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर एग्रीकल्चर में ग्रीन हाउस गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं करते हम है ना वो बना लेते हैं शेड बना लेते हैं कांच का या प्लास्टिक की पन्नी लगा के और उसके अंदर में फिर अगर हम उसके अंदर सपोज करो कार्बन डाइऑक्साइड भर दें देखो कार्बन वास्तविकता में पेड़ों के लिए खाद के रूप में भी काम करती है तो पहला तो पेड़ के लिए खा, खाद के रूप में काम होगी पहली बात दूसरा क्या है अगर आपको ऐसे शेड बना के ना उसमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दो तो सूरज की किरणें आ तो जाएंगी बट वो निकल नहीं पाएंगे और वो अंदर का माहौल गर्म रहेगा तो क्लाइमेट कंट्रोल करके आप खेती कर सकते हो तो एग्रीकल्चर के अंदर में ठीक है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाते हो आप उसके द्वारा आप क्रॉप उगा सकते हो इंडस्ट्री के अंदर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है दोस्तों मैंने बताया कई सारी ऐसी जो हमारे इंडस्ट्रियल uh, प्रोसेस है जिसके अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है या आप एक काम करो जो स्टील जब हम बनाते हैं ना तो उस केस में क्या होता है दोस्तों स्टील का जो स्लैग होता है ठीक है ये बाय प्रोडक्ट है स्टील इंडस्ट्री का तो उसके साथ में आप कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर सकते हो मिक्स करके और उससे आप कंस्ट्रक्शन के मटीरियल बना सकते हो ठीक है और अगर आप ऐसा करोगे तो आप इंडायरेक्टली पैरिस क्लाइमेट गोल की तरफ जो है अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो दे अरे देख लिया भाई महाराज देख लिया ठीक है देख लिया मनमोहन जा Mitigating climate changes

ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा ग्रीन टेक्नोलॉजी क्या करेगी ये और कार्बन डाइऑक्साइड ऐड नहीं करेगी है ना नई कार्बन डाइऑक्साइड ऐड नहीं होगी लेकिन जो ऑलरेडी है जो कार्बन है जो एटमोस्फेर में सीओ टू प्रेजेंट है उसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों उसको हमें डिक्रीज करना पड़ेगा और वो डिक्रीज कैसे करेंगे इन्हीं तकनीक के माध्यम से ठीक है तो हम दोनों तरफ से इस पर काम करेंगे और दोनों तरफ से काम करके हमारा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द जो हमारा गोल है हम उसको अचीव करें अच्छा आपको पता है कार्बन का इस्तेमाल ऑयल रिकवरी के लिए भी किया जाता है जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है हमारी वो ऑलरेडी कार्बन इंजेक्ट करके ऑयल डिस्कवरी के अंदर इसमें बहुत हेल्प मिलती है ठीक है तेल के जो धरती के अंदर में जो तेल है वो खोजने के अंदर और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इसका इस्तेमाल भी कर रही है ओ एन जी सी इसका इस्तेमाल कर रही है सॉरी आई ओ सी एल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ये इसका ऑयल रिकवरी के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है तो ये उसमें भी इस्तेमाल हो रही है तो सारी चीज़ें क्या है दोस्तों बढ़िया है ग्लोबल प्रोग्रेस कितनी है अब इतनी अच्छी चीज है तो क्या दुनिया इसको मान रही है तो दुनिया के अंदर में इसको के अभी नहीं है, जिसके सारे कारण, है। पहला कारण तो यही है हुई थी न, तो हमने कहा था आई एनडीसी का मतलब क्या था इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन आप किसी भी देश का आई एनडीसी उठा के देख लो बहुत कम देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने इंटेंशनली नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन में कहा हो कि हम कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को से रिड्यूस करेंगे बहुत कम लोगों ने ऐसा कहा है बहुत कम लोगों ने कहा ही 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 नहीं नहीं होगा आप मान के चलो का ही नहीं है ठीक है कुछ चालीस देश के आसपास है जिन्होंने इस बात को बोला है है ना तो ये क्लियरली दर्शाता है कि इंटरनेशनल पॉलिसी फोरम के अंदर अगर हम बात करें तो इस तकनीक को अभी तक हमने उतने अच्छे तरीके से अडॉप्ट नहीं किया जो है जो कि जरूरत है हमें इसको अडॉप्ट करने की ठीक है तो सबसे पहली बात ये दूसरा सर ये क्यों इतना कम है ठीक है तो इसके कम होने के पीछे भी ना दोस्तों कारण है ठीक है पहला कारण क्या है दोस्तों पहला कारण ये है कि दुनिया के अंदर में अगर आप फैसिलिटीज भी देखोगे ना ये मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज की फैसिलिटीज भी दुनिया में बहुत कम है दुनिया के अंदर में एज ऑफ 2020 हजार बीस देर आर ओनली ट्वेंटी ऑपरेशनल सी फैसिलिटीज कार्बन कैप्चर को स्टोर करने की ठीक है पूरी दुनिया के अंदर केवल केवल 26 ऑपरेशनल फैसिलिटीज हैं जो कुल मिला के छत्तीस से लेकर 40 मिलियन टन कार्बन पर ईयर जो है वो क्या कर रही हैं उसको स्टोर कर रही हैं और ट्रांसपोर्ट कर रही है अच्छा जो इसको पकड़ के कार्बन को निकालना ठीक है छाटना एनवायरनमेंट से उसको स्टोर करना उसको ट्रांसपोर्ट करना इसके अंदर में एक बड़ा खर्चा होता है तो ये खर्चा जो है ये भी एक बड़ा बॉटलैक है इसके अंदर में एक बड़ा जो है मेजर रोड ब्लॉक रोड ब्लॉक है इसके, इसके इसके अंदर इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव भारत सरकार की पहल कौन सी है देखो इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल प्रोग्राम ऑन सी चला रखा है ठीक है नेशनल प्रोग्राम ऑन सी रिसर्च उन्होंने एक्सलरेटिंग सी चला रखा है टेक्नोलॉजी है ना इंडस्ट्री चार्टर जो है हमने इसके लिए वो बना रखे हैं तो ये भारत सरकार के क्या है दोस्तों इनिशिएटिव्स हैं जिसके तहत हमारा प्रयास है कि किस प्रकार से भारत सरकार भी जो है वो इस फील्ड के अंदर में आगे बढ़े ठीक है पूरा मुद्दा क्या था मुद्दा यही था ठीक है कि आपके नीति आयोग ने एक रिसर्च पेपर जारी किया है भाई और उस रिसर्च पेपर का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है उसका उद्देश्य ये है क्या है बताओ क्या है उसका उद्देश्य उसका उद्देश्य यही है कि कार्बन कैप्चर और यूटिलाई कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज इसको हम बढ़ावा दें क्या क्या हो सकता है क्या क्या पॉसिबिलिटीज है तो वो था तो मैंने वो पूरा टॉपिक यहाँ पे आपके सामने कवर किया है अब बात करते हैं सर ऐसे टॉपिक जो इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं ठीक है, है? बट हमें उनके ऊपर खुद से पढ़ना पड़ेगा ठीक है जैसे नेट जीरो एमिशन जब मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ ना तो मेरे दिमाग में रहना चाहिए कि नेट जीरो एमिशन क्या होता है ठीक है हमने नेट जीरो अभी बोल दिया है कि हम भाई 2070 तक इंडिया विल बी नेट कार्ब नेट जीरो तो क्या होता है नेट जीरो अच्छा ये आईएनडीसी क्या होता है ठीक है ये क्या होता है ये भी आपको बताना होता है ये इंडस्ट्री चार्टर क्या होता है ये भी आपको बताना सो ऑल दीज आर द रिलेटेड सर्च टॉपिक ये आपको करने होते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रिलिम्स के लिए व्हाट इज सी ये क्या होता है ठीक है सी क्या है वट इज द प्रोसेस प्रोसेस क्या है वट आर द एप्लीकेशन ऑफ दिस सी क्या चैलेंजेस हैं इसके साथ चैलेंजेस मैंने बताया सबसे पहला तो टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास कि किस प्रकार से आप एटमोसफेयर से सिर्फ कार्बन को अलग करोगे कैसे उसको फिर वो जो स्टोर करना उसको कंप्रेस करके ठीक है उसके लिए बहुत बड़ी कॉस्ट होती है तो वो एक अपने आप में बड़ा चैलेंज है और ये जीरो एमिशन क्या होता है ठीक है तो दीज आर द प्रिलिम स्पेसिफिक मुद्दे तो ये प्री के लिए बहुत ही क्या है दोस्तों ज़रूरी हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों यूपीएससी का एक सवाल मैं आपके समक्ष रखता हूं तो आप मुझे बताइए यूपीएससी का एक सवाल है वट इज द मोस्ट पोटेंट ग्रीन हाउस गैस सबसे खतरनाक ग्रीन हाउस गैस कौन सी है इनमें से फ्लोरिनेटेड गैस कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड और मिथेन ठीक है इनमें से सबसे खतरनाक कौन सी है अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपके लिए कोचिंग बेहद जरूरी है क्योंकि हिंदी में अभ्यार्थियों को ये लो भाई ज्ञानी लोग हमारे साथ ही बैठे हैं यहाँ पे कोचिंग ही कर रहा हूं और क्या कर रहा हूं हाँ भाई ये आह्वान सिखा रहा हूं तुम्हें मैं मंत्र पढ़ने सिखा रहा हूं ये कोचिंग इसी ऐसी होती है कोचिंग <laughs> देखो हिंदी मीडियम के लिए न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना चाहिए न्यूज़पेपर तो भाई जो है हिंदी के वो स्टैंडर्ड के आते ही नहीं है हिंदी मीडियम के न्यूज़पेपर उस स्टैंडर्ड के नहीं हैं कि वो आपको यूपीएससी की तैयारी करवा सकें सच बता रहा हूँ मैं बाकी लोग कहते हैं नव भारत टाइम्स ठीक है दैनिक जागरण पढ़ लो अरे यार तुम्हें न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत कहाँ पड़ रही है तो पढ़ाया तो जा रहा है लोग समझा रहे हैं आपको हिंदी का इंग्लिश बना सब कुछ तो कर रहे हैं बट ठीक है करना है तुम्हें अपना मन का कर लो ठीक है इसमें ए इज़ द करेक्ट आंसर अच्छा सुनो मेरी बात जैसे ये मैं पढ़ा रहा हूँ ना ये बस आ जाओ यहाँ पर भी यही डिस्कस किया करो कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े ये मत पढ़ो पढ़ना तुम्हें खुद से ही है अपना काम कर लो <laughs> आगे बढ़ते हैं दोस्तों मेंस का क्वेश्चन है 250 वर्ड पे आपको लिखना है व्हाट इज कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजीज डिस्कस हाउ इंडिया कैन अडॉप्ट देम एंड एंड ट्रीड टू द पाथ ऑफ क्लीनर एनर्जी सिस्टम कैसे हम इसको अपना सकते हैं और भारत एक क्लीन एनर्जी सिस्टम की ओर आगे बढ़ सकता है कार्बन कैप्चर उपयोग तकनीक क्या है चर्चा करें कि भारत कैसे उन्हें

तो ये भारत के अंदर में ना पांच ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है दोस्तों बिग कैट है जो भारत के अंदर में पाई जाती है दीज आर द फाइव बिग कैट जो इंडिया में मिलती है तो अभी आपको पता है साइट्स की कन्वेंशन चल रही थी पनामा के अंदर है ना तो पनामा की जो कन्वेंशन साइट्स की जो कन्वेंशन चल रही थी तो उन्होंने यहाँ पर बिग कैट टास्क फोर्स को अडॉप्ट किया है मतलब ये बड़ी जो बिल्लियां होती है ना इनका दुनिया भर के अंदर इलीगल ट्रेड हो रहा है और उस इलीगल ट्रेड को रोकने के लिए ये संस्था ये जो साइट्स है ना ये एक हमने ये बनाया हुआ है इंटर गवर्नमेंटल ये ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो भी है तो अभी इसकी बैठक चल रही है पनामा के अंदर तो इन्होंने जो पिछली कॉन्फ्रेंस हुई थी कॉप कौ, एटीन जो हुई थी साइट्स की उसके अंदर में भी प्रपोजल आया था कि यार एक बिग कैट टास्क फोर्स बनाते हैं तो उसी बिग कैट टास्क फोर्स के तहत में इनमें इन्होंने क्या किया है? दोस्तों कुछ परिवर्तन किए हैं और इस बार फाइनली एक बिग कैट टास्क फोर्स को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया है तो उसी के बारे में चलो पढ़ते हैं थोड़ा सा क्या है क्या नहीं है सो साइट कॉप नाइनटीन प्रपोज बजट ऑफ एक लाख पचास हजार डॉलर फॉर बिग कैट टास्क फोर्स तो अभी साइट्स के अंदर में जो कॉप 19 में बैठक चल रही है उसमें बिग कैट के लिए एक लाख पचास हजार का जो प्र, जो प्रपोजल है वो यहां पे अप्रूव किया किया गया है जीएस पेपर तीन का है ये भी कंजर्वेशन रिलेटेड इश्यूज 19वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पैरिटीज के अंदर यानी कि कॉप के अंदर ठीक है इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसी साइट्स डॉप्टिड द डिसीजन ऑन बिग कैट टास्क फोर्स फ्रॉम द प्रीवियस कॉप ठीक है विद अ फ्यू अमेंडमेंट्स एक कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं कुछ बदलाव किए हैं और उस बदलाव के साथ में दोस्तों हमने बिग कैट टास्क फोर्स जो है इसको अभी लॉन्च कर दिया तो कॉप 19 की जो बैठक चल रही थी इसमें पिछली कॉप की जो रिकमेंडेशन थी उसी को मानते हुए उसमें थोड़े से बदलाव करते हुए हमने बिग कैट टास्क फोर्स जो है ये बना दी है The task force is for, uh, is a forum to discuss challenges that affect एनफोर्समेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज रिगार्डिंग ट्रेड इन बिग कैट मुद्दा क्या है? इसका क्या है ये जो बड़ी बिल्डियां हमारी दिखाई थी उनका जो अवैध व्यापार होता है ना उसके संबंध में, में और कानून को लागू करने के में क्या चुनौतियां हमारे है सामने हैं उसके ऊपर जो है चर्चा हो सके इसके लिए एक मंच हम दे रहे हैं तो ये जो बिग कैट टास्क फोर्स हम बना रहे हैं इसके माध्यम से बेसिकली वी आर प्रोवाइडिंग मंच हम एक ऐसा मंच दे रहे हैं दोस्तों और उस मंच के माध्यम से

मतलब क्या है देखो बिग कैट का इलीगल ट्रेड हो रहा है और उसके लिए हमने कानून बना रखे हैं अब वो कानून की इंप्लीमेंटेशन में भाई साहब अलग अलग प्रकार के रोड़े अटक रहे हैं ठीक है तो क्या प्रॉब्लम आ रही है किस प्रकार से हम उसको और सुविधाजनक बना सकते हैं बेटर बना सकते हैं उसी के लिए हम ये फॉरम लेके आए हैं ठीक है और इस फॉरम को हमने क्या किया है दोस्तों लॉन्च तो एक ये मंच दे दिया हमने भाई खिलाड़ियों को कि आओ एक नया मंच है आपके पास और इस मंच के माध्यम से आप चीज़ों को आगे बढ़ाओ फंक्शन क्या है बिग कैट टास्क फोर्स का सर कह रहा है कि इट विल डिस्कस एनफोर्समेंट एंड इंप्लीमेंटेशन इशू रिलेटेड टू द इलीगल ट्रेड इन स्पेसिमेन ऑफ बिग कैट क्या कह रहा है कि जो बड़ी बिल्लियां हैं इनके नमूनों में जो अवैध व्यापार हो रहा है ना कि उनके कार्यान्वयन उनके नियमों के कार्यान्वयन के मुद्दे पर यह चर्चा किया जाएगा पहला दूसरा इट विल एक्सचेंज इंटेलिजेंस एंड अदर इंफॉर्मेशन वही कोई इंटेलिजेंस मिली है कि बिग कैट का वहां पे गलत जो है नियमों का उल्लंघन करके व्यापार हो रहा है या उसका स्टेटस स्केल डायनामिक्स उसे संबंधित कोई भी चीज तो यहाँ पे शेयर की जाएगी ठीक है तो यहाँ पे इसके माध्यम से शेयर की जाएगी ऑल्सो दे शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट टेक्निक एंड टूल्स फॉर आइडेंटिफाइंग बिग कैट स्पेसिमेन इन ट्रेड एडेंटिफाइड नीड्स तो बेसिकली यही इसका काम है ठीक है वर्क टू डेवलप स्ट्रैटीज एंड मेक रिकमेंडेशन टू इंप्रूव इंटरनेशनल बड़ी बिल्लियों के नमूनों में अवैध व्यापार से संबंधित ठीक है साइट्स जो साइटों के, के लागू करने में संबंध में अंतरराष्ट्रीय सहयोग में सुधार करने के लिए रणनीति विकसित करने और सिफारिशों के लिए इसका निर्माण किया गया तो कहने का मतलब क्या है कि जो बिग कैट का इलीगल ट्रेड हो रहा है उससे संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उनको हाईलाइट करने के लिए हमने एक मंच यहां पर बना दिया है अब बात करते हैं सर इस फोर की मेंबरशिप कितनों के पास है तो दोस्तों ऐसे देश जिसके अंदर में बिग कैट पाई जाती है और जहां पर इनका इलीगल ट्रेड हो रहा है जो जिन देशों के लिए ये बिग कैट का इलीगल ट्रेड एक बड़ी प्रॉब्लम है ऐसे 44 देश हैं दोस्तों ठीक है और इन 44 देशों को हमने इसके अंदर में इंक्लूड किया है रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द इंटरनेशनल कंसोर्टेरियम ऑफ कॉम्बैटिंग वाइल्ड लाइफ क्राइम यानी कि ICCWC पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन, अदर उसके अलावा वाइल्ड लाइफ क्राइम्लूसी वो भी इसमें पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है और, और भी कोई अपनी श्रद्धा से अगर श्रद्धा भाव से अगर इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहता है तो वो भी यहां पे आ सकता है ठीक है वो भी यहां पर क्या कर सकता है दोस्तों आ सकता है ओके आगे बढ़ते हैं बिग कैट भारत के अंदर में तो दुनिया में जितनी बिग कैट बड़ी बिल्लियां पाई जाती है उसमें से 40 प्रतिशत बिल्लियां भारत के अंदर है तो बिल्ली मौसियों का घर भारत है भाई ठीक है तो भारत के अंदर में इतनी सारी बिल्लियों की प्रजातियां पाई जाती है इसका सीधा सीधा संबंध किससे है दोस्तों भारत की जैव विविधता से भारत की भारत का भौगोलिक क्षेत्र जो है इतना डाइवर्स है यार कहीं पहाड़ कहीं है कहीं है मतलब हर प्रकार का क्लाइमेट भारत के अंदर मौसम भारत के अंदर में देखने को मिल जाता है एक साल में चार प्रकार के मौसम हम देख लेते हैं अलग अलग प्रकार की वनस्पति अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म तो ये जो है हमारे डाइवर्स कल्चर को हमारी जो कंट्री है ना उसके डाइवर्स कल्चर को दिखाता है कहीं पर जंगल है कहीं पर डेजर्ट है कहीं पर स्टेपी घास के मैदान है कहीं पर दुनिया के सबसे हाइएस्ट माउंटेन है तो इसी वजह से भारत की इतनी विविध प्रजातियों को देखते हुए तो चालीस जो बिल्लियां हैं इस दुनिया की वो भारत के अंदर में है, तो ये भारत की एक शान है यार मतलब एक किस्म से ये भारत की जैव विविधता को दर्शाता है भारत के पोटेंशियल को दर्शाता है इंडिया इज द हैबिटेट ऑफ़ फाइव बिग कैट भारत में मुख्यतः पांच बड़ी बिल्लियों की कैटेगरी पाई जाती प्रजाति पहला रॉयल बंगाल टाइगर

ठीक है ये इसका नाम है नेबुलोसा तो ये पांच प्रकार की बिग कैट जो है ये भारत के अंदर में पाई जाती है ठीक है अब सर मैं इस पूरे टॉपिक का सार बता देता हूं साइट्स की बैठक चल रही है कहां पर पनामा के अंदर इस बैठक का नाम है कॉप उन्नीस पहले कॉप अट्ठारह आई थी कॉप अट्ठारह के अंदर बात हुई थी कि भैया ये जो बिल्लियां हैं ना बड़ी बिल्लियां इनके ऊपर एक हम टास्क फोर्स बनाते हैं जिसका काम होगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर में इन बड़ी बिल्लियों का जो गैर कानूनी व्यापार हो रहा है ट्रेड हो रहा है पेट बनाने के लिए आप देखोगे बड़े बड़े अभी भी कम टू दुबई वहाँ देखते हो किसी ने चीता बा, चीता बांध रखा है किसी घर में किसी ने शेर पाल रखा है तो वो सब चीज़ें हैं ना जो इलीगल ट्रेड हो रहा है कहीं पर दवाई ववाई के चक्कर में इनके खाल के चक्कर में इनको मारा जा रहा है तो उन चीजों को रोकने के लिए हमने इस टास्क फोर्स का गठन करने की बात कही थी इससे पिछली कन्वेंशन में ठीक है साइट्स की जो पिछली बैठक थी लेकिन अब फाइनली उसमें कुछ संशोधन करके हमने इसको अडॉप्ट कर लिया है इससे फायदा यह होने वाला है कि जो टाइ बिग कैट संबंधी जितने भी मैटर्स हैं तो उन मैटर के अंदर में हमें क्या रहेगी दोस्तों उन मैटर्स के अंदर में हमारे पास एक्सपर्ट नॉलेज रहेगी कि कानून है बट फिर भी क्यों इन कानूनों का उल्लंघन हो रहा है कानून है लेकिन फिर भी क्यों इनका इलीगल ट्रेड हो रहा है तो इस संबंध के अंदर में भारत को एक पूरा डिटेल विश्लेषण इसमें मिलेगा ठीक है सॉरी वर्ल्ड को और हम बिग कैट के लीगल ट्रेड को क्या कर पाएंगे रोक पाएंगे भारत में मैंने बताया कि इसमें कुल मिला के चवालीस देश हैं एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन इसमें सहयोगी है साथ साथ में और भी जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी से वो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ेंगे इसके अलावा दोस्तों भारत का मैंने बताया भारत में पूरी दुनिया की जो चालीस प्रतिशत जो बिग कैट है वो भारत में जिसमें से पांच बिग कैट की वैरायटी जो है मैंने यहां पे बताई थी ये हो गया अब आ जाते हैं अब दोस्तों देखो कुछ दिन पहले आपको याद हो तो रहीनो जो है वो न्यूज में थे साइट्स साइट्स में ठीक है तो एक तो तो एक पूरा पढ़ लो इसकी अपेंडिक्स अब आप कहोगे सर ये तो हम नहीं पढ़ेंगे रिलेटेड सर्च में आप रोज काम देते हो अच्छा ये पढ़ने की जरूरत कहां है बच्चों एक बार बताना अपेंडिक्स तो मैंने कराया हुआ है ना इसकी अपेंडिक्स वन टू एंड थ्री मैंने खुद कराई हुई है ना आपको तो मैं वही कह रहा हूं कि जब आप पढ़ रहे हो ना एक इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ो कनेक्ट करके पढ़ो वो आपको बहुत ज्यादा क्या करेगा हेल्प करेगा की की बात करते हैं, की बात करते करते हैं, हैं, पीटी प्री में क्या है तो प्री में सबसे पहले आपको ये क्या होती है? पहला फंक्शन क्या है बिग कैट टास्क फोर्स की और बिग कैट भारत के अंदर कितनी है और ये जो साइट्स है इसके बारे में डिफरेंट so, मुद्दे जो आपको प्रिलिम्स के हिसाब से क्या करने है दोस्तों डिस्कस करने हैं गेटिंग माई पॉइंट और नॉट गाइस एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों प्लीज जिन्होंने कर दिया यार बहुत बहुत धन्यवाद बट काफी सारे बच्चे हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया आपसे उनसे यार मैं निवेदन करूंगा कि गाइज प्लीज वीडियो को क्या कर दें लाइक कर दें एक बार ठीक है काफी सारे लोग हैं जिन्होंने नहीं किया उनसे निवेदन करूँगा कि कृपा करें और वीडियो को लाइक कर दें ठीक है इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट ग्रेट बैरियर रीफ की बात करते हैं ये भी आज न्यूज में आई है इसके ऊपर में भी आज न्यूज आई है न्यूज़ क्या है ग्रेट बैरियर रीफ जो है ना ये वर्ल्ड नेचुरल एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ठीक है अभी बोला जा रहा है कि यार जो कोरल ब्लीचिंग हो रही है ना उसकी वजह से एनवायरमेंट चेंज की वजह से इसको खतरा है और ये कोरल जो रीफ है ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है दुनिया की सबसे बड़ी बैरियर रीफ है तेईस किलोमीटर की है। आपने देखा ऑस्ट्रेलिया का जो मैप है ना ठीक है हम कुछ ऐसा बनाते हैं ऑस्ट्रेलिया को ठीक है यहां से लेकर यहां तक फैली हुई है कुल मिला के कितने में में किलोमीटर के अंदर ठीक है अंतरिक्ष से भी दिखती है ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर हम बात करें दोस्तों तो पचपन हजार लोगों को इसी से रोजगार मिला हुआ है नौकरी मिली हुई है इसी की वजह से तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑस्ट्रेलिया के लिए और दुनिया के लिए भी है मैंने आपको बताया था पूरा सी सरफेस जो है उसके एक प्रतिशत भाग पे कोरल रीफ पाई जाती है एक प्रतिशत भाग पे लेकिन अगर मैं समुद्री जीवन की बात करता हूं तो समुद्री जीव का लगभग लगभग 40 प्रतिशत समुद्री जीव को ये कोरल रीफ सपोर्ट करती है ठीक है मछलियों को ये हैबिटेट प्रोवाइड करती है तो बहुत इनके क्या है दोस्तों फंक्शन है थोड़े दिन पहले भी मैंने कोरल के ऊपर में बात की थी ठीक है कि पांच ब्लैक कोरल की प्रजातियां हमें देखने को मिली थी अभी थोड़े दिन पहले एक आर्टिकल किया था तो उसमें मैंने बताया था कोरल कितने प्रकार के होते हैं कोरल पॉलिप्स ब्लैक कोरल हार्ड कोरल ठीक है सॉरी हार्ड कोरल सॉफ्ट कोरल है ना मैंने बताया था कोरल रीफ क्या होती है तो अब समझते हैं मुद्दा क्या है दोबारा से एक बार देखते हैं ठीक है क्योंकि टॉपिक हमारे पास है सो ग्रेट बैरियर रीफ क्या है दोस्तों ये कुछ नहीं है इट्स अ कोरल रीफ ठीक है इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों इसको हम बोलते हैं प्रवाल भित्ति है ना तो ये प्रवाल भित्ति है अब ये कैसे बनती है देखो कोरल रीफ के अंदर में दो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो एक साथ रहते हैं ठीक है पहला कौन सा है दोस्तों मेरे पास यहां पर एक जो है उसको हम कहते हैं दोस्तों आपका कोरल पॉलिप्स और दूसरा जो है उसको हम बोलते हैं जूजेंगे कोरल पॉलिप्स क्या करता है दोस्तों देखो एक जीव है इट्स इट्स छोटा जीव है एल्गी है है छोटी ना इसको जीवन जीने के लिए दो चीजें चाहिए एक तो पहली चीज तो ऑक्सीजन चाहिए और दूसरा फूड देखो दुनिया में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो अपना खाना खुद बना सके छोड़ के मेरे को <laughs> खाना खुद बना सके का मतलब ये नहीं कि पका सके मतलब जैसे पेड़ अपना खुद बनाते हैं ऐसा नहीं है कुछ ना इसको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉप हम दूसरों पे निर्भर रहते हैं ऑटोट्रॉप जो खुद बना ले तो ये ग्रीन एलगी होती है ठीक है ये ग्रीन होती है ग्रीन एलगी तो आपको पता है ये फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना खाना बना लेते हैं तो लेकिन इनको भी क्या चाहिए खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए इनको और ये कहते हैं कि हम होमलेस हैं हमें रहने के लिए घर भी दे दो एक एक हमें क्या चाहिए घर ठीक है अब यार ये दोनों ना एक दूसरे की जरूरत पूरी करते हैं ये कहता है यार ये दोनों कहता है यार तू मेरे से ले लियो कहता है ठीक है ये दोनों मेरे से ले लियो कह रहा अच्छा अच्छा सीओ टू कह रहा मैं मैं छोड़ूगा सीओ टू ले लियो कोई दिक्कत नहीं जी हूँ मैं सांस छोडूंगा सी ओ टू भी लगी तुझको और दूसरा कह रहा होम कह रहा यार तू छोड़ जब तू इतना दे रहा है ना मेरे ऊपर रह लियो भाई तू मेरे ऊपर रह लियो तो ये जो कोरल रीफ है ना इसके ऊपर ये जूज पाई जाती है चिपकी होती है हो। इसी की वजह से इसका रंग बिरंगा कलर देखने को मिलता है समुद्र का जो सी फ्लोर है ना उस पर अगर आप देखोगे तो इस प्रकार की रंग बिरंगी जो है कोरल रीफ हमें देखने को मिलती है और इन कोरल रीफ में बहुत सारे मराइन ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं समुद्र के अंदर कम से कम मैं बता रहा हूं तीस से चालीस प्रतिशत मराइन ऑर्गेनिज्म को ये सपोर्ट करती है और जो समुद्र कार्बन स्टोर करते हैं ना कार्बन एब्जॉर्ब करते हैं एटमोस्फेयर से उसमें भी इनका बहुत बड़ा रोल है अगर इनको हटा दो आप तो दिक्कत आ जाएगी ठीक है सो दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द द ऑफ कार्बन एज वेल है है ना तो ये इनसे मिलकर क्या बनता है दोस्तों कोरल रीफ अब ये जो कोरल पॉलिप्स है ना ये ये वाला जो आप पढ़ रहे हो ये कोरल पॉलिप्स एक जीव है ठीक है तो ये जीव है ये भी दो प्रकार के होते हैं सॉफ्ट कोरल और हार्ड कोरल सॉफ्ट कोरल क्या होता है सर सॉफ्ट कोरल का मतलब ये होता है कि वो रीफ नहीं बनाता ठीक है एक होता हार्ड कोरल वो क्या करता है पानी में से कैल्शियम कार्बोनेट इकट्ठा करता है और अपना अपना कंकाल बनाता है ठीक है उसका एक कंकाल होता है और ऐसे कोरल एक एक, एक कोरल एक साथ नहीं तय कोरल कॉलोनीज बनाते हैं कॉलोनी बनाते हैं ठीक है, है, है? प्लॉट काट के रहते हैं सारे कोरल एक साथ मिल के जुड़ के रहते हैं ठीक है तो इसीलिए एक बहुत बड़ी और इसी के ऊपर फिर जूज एन थैला एलगी चिपक जाती है तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है कुछ समय के बाद कोरल कोरल होते हैं है दो प्रकार के बताए तो हार्ड कोरल वो अपना बनाते हैं कंकाल भाई वो कोरल बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट दूसरा क्या करते हैं बनाते नहीं अपने जो एंसेस्टर है ठीक है कईयों को क्या करता है मेहनत करके अपना एम्पायर खड़ा करना पड़ता है भाई अभी ये जो अंबानीज थे ठीक है उनके बाबा दादा ने धीरू भाई अंबानी ने बना के दे दिया अभी उसी को चलाएंगे आगे

वर्ल्ड हेरिटेज लिस्टिंग ठीक है तो ये बात बोल रहा है कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है ना इसको आप इन डेंजर वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाओ अभी तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उन्नीस के आसपास हमने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया था बट वट वी आर डिमांडिंग नाउ हम कह रहे हैं कि इसको इन डेंजर करो कि ये बहुत खतरे में है दिक्कत चल रही है इसको तो इसको क्या करो इन डेंजर बनाओ तो इसके लिए प्रपोजल जो है अभी रखा गया है किसकी तरफ से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आ यूनेस्को टास्क रिपोर्टेड टास्क रिपोर्ट्स

इन डेंजर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डिस्क कर देना चाहिए समझ रहे हो खतरा है इसको क्लाइमेट चेंज से पॉल्यूशन से एग्रीकल्चरल पॉल्यूशन से इसको खतरा हो रहा है कोरल ब्लीचिंग हो रही है ब्लीचिंग समझते हो अभी मैंने आपको पढ़ाया था देखो ये ब्लीच का मतलब क्या होता है सफेद हो जाना

तो वहां सिर्फ वाइट स्ट्रक्चर दिखता है उसको हम बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग ब्लीच हो गया व्हाइट बन गया ठीक है तो यह बात आप समझ पा रहे हो मेरी बात तो कोरल ब्लीचिंग की वजह से इसको खतरा है तो ये लोग कह रहे हैं कि यार इसको फटाफट से क्या करो इन डेंजर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में इसको रखो ठीक है टू यू एन एक्सपर्ट हु वर्ल्ड द फेडिंग वंडर हैज बीन सिग्निफिकेंटली इंपैक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज वो कह रहे हैं क्लाइमेट चेंज से बहुत प्रभाव पड़ा है दुनिया के अगर सात प्राकृतिक नेचुरल अजूबे हम देखें तो उसके अंदर में ग्रेट बैरियर रीफ का नाम आता है बच्चों डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि जो समुद्र गर्म हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एग्रीकल्चर का जो पॉल्यूशन आप कर रहे हो उसी से सबसे बड़ा रिस्क है ठीक है उसी से सबसे बड़ा रिस्क है गर्म समुद्र हो रहे हैं कृषि का प्रदूषण ठीक है इन्हीं से सबसे बड़ा जो है यहां पे खतरा उत्पन्न हो रहा है यूनेस्को कंसिडर्ड द लिस्टिंग द रीफ आफ्टर अ डैमिंग रिपोर्ट डैमनिंग रिपोर्ट होता है डिटेल्ड रिपोर्ट इन्होंने की है ठीक है इनको पता चला है कि खतरा है ठीक है इससे प्रभावित होगा तो एक डिटेल रिपोर्ट हुई है अभी 2021 के अंदर आई थी उसके बाद में यूनेस्को इस बात को देख रही है कि क्या हम इसको इनडेंजर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में वर्गीकृत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। है ना तो ऑस्ट्रेलिया की प्रीवियस गवर्नमेंट जो है ना उसने भी लगातार इसके लिए प्रयास किया है कि यूएन इसको इनडेंजर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में रिकॉग्नाइज करे तो उसी पर बात चल रही है तो मुद्दा आप समझ पा रहे हो मेरी बात मुद्दा यह है कि इस बात के ऊपर बात चल रही है भैया बात बात पे बात चल रही है कि जो 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 ग्रेट बैरियर रीफ है 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 कि कि इसको लिस्ट किया जाए वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो की एक जो टास्क फोर्स है, उसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि जो समुद्र गर्म हो रहे हैं एग्रीकल्चर पॉल्यूशन हो रहा है इससे ग्रेट बैरियर रीफ को खतरा है और खतरा है तो क्योंकि यह दुनिया का एक अपने आप में एक नेचुरल वंडर है भाई प्राकृतिक अजूबा है तो इसको बचाना चाहिए इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए और उसी के लिए दोस्तों क्या कहा जा रहा है कि इसको हमें किसमें रखना चाहिए इसको हमें प्रोटेक्ट करने के लिए वी शुड प्लेस इट एज अंजर्ड वर्ल्ड नेचुरल साइट्स और इसके लिए लगातार प्रयास ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भी किया गया इट फर्स्ट रेस द अबाउट द इन दो इन 2010 पहली बार ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने 2010 में ही कह दिया था भैया कि जो रीफ है इसकी हालत खराब हो रही है हमने ऑस्ट्रेलिया की जो रीफ है इसको मराइन कंजर्वेशन सोसाइटी ऑस्ट्रेलियन मराइन कंजर्वेशन सोसाइटी सेट दैट रीफ सपोर्टेड साठ जॉब्स इस रीफ से लगभग लगभग साठ हजार लोगों को तो नौकरियां नौकरियां मिली है एनुअली अगर हम बात करें तो सिक्स बिलियन डॉलर ऑस्ट्रेलियन जो डॉलर है छे बिलियन उतना आप मान लो इससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और अमेरिकी डॉलर का चार बिलियन डॉलर का इससे रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ इस रीफ को देखने आते हैं टूरिस्ट टूरिस्ट इससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है फिशरीज के अंदर में भी हेल्प करती है इंडायरेक्टली जो मछली पालन है उसमें भी हेल्प करती है व्हाट इज द ग्रेट बैरियर रीफ तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है दोस्तों ये नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है इसके अंदर दुनिया के सबसे देखो ये जो कोरल रीफ है ऐसे लंबी लाइन बना के लगी हुई है ठीक है यहां से मैं आपको मैप आप में दिखाऊंगा यहां से देखो यहां दिख रहा है दिस इज द ग्रेट बैरियर रीफ इतनी बड़ी है ये अब ये कोई एक स्ट्रक्चर थोड़ी ना इसमें इंडिविजुअल कई सारी कोरल रीफ थी वो मिली है ठीक है तीन हजार के आसपास इंडिविजुअल कोरल रीफ ने मिलके इस ग्रेट बैरियर रीफ को पूरी को क्या किया है दोस्तों बनाया है ठीक है तो इट कंटेन्स इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ द कोरल रीफ विद 400 डिफरेंट टाइप ऑफ कोरल जो कोरल मैंने बताया था अभी जो वो कहते हैं कि मेरे से तुम ले लियो यार कार्बन डाइऑक्साइड और मेरे ऊपर रह लियो तो इसमें 400 प्रकार के तो अलग अलग प्रकार के कोरल पॉलिप्स देखने को मिलते हैं 1500 प्रकार की यहाँ मछलियां देखने को मिलती है और 4000 प्रकार के जो मोलस्क हैं ठीक है वो यहाँ देखने को मिलते हैं केकड़े ये एंटायर इकोसिस्टम जो है इसको हमने 1981 के अंदर में वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया था दोस्तों प्राकृतिक अजूबे उनमें से भाई साहब ये एक है ग्रेट बैरियर रीफ जो है ना ये तेईसो किलोमीटर में फैला हुआ है कुल मिला के एंड इट कंप्राइजिंग मोर देन तीन इंडिविजुअल रीफ तो इसके अंदर में अगर आप देखोगे तो इंडिविजुअली हजार से ज्यादा कोरल रीफ इसके अंदर में इंटीग्रेटेड है जुड़ी हुई है तो इसके अंदर में कह रहा है कि बारह हजार जो है एनिमल की प्रजातियां जो है, वो यहां पे आपका इसमें पाई जाती है बहुत सारे प्लांटन होते हैं बहुत सारा मराइन जीव जंतु और पेड़ पौधे इसके अंदर में उपस्थित होते हैं यहां पर है मैंने बता दिया ऑस्ट्रेलिया के यहां पर है।

इज कॉल्ड एज अ पॉलिप्स एंड थाउजेंड ऑफ सच पॉलिप्स लिव टूगेदर अकेले नहीं रहते बहुत सारे एक साथ रहते हैं एक कॉलोनी के अंदर में ही रहते हैं ये दो प्रकार के होते हैं हार्ड कोरल और सॉफ्ट कोरल हार्ड कोरल रीफ बनाते हैं ठीक है वो जुड़ के ना रीफ बिल्डिंग होते हैं मतलब इनका कंकाल बनता है कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल ये समुद्र से निकाल के वो बनाते हैं जो सॉफ्ट कोरल होते हैं वो बनाते नहीं है वो अपने दादा परदादा के कंकाल से ही जुड़ जाते हैं बस ये फायदा है दोनों में से दो अलग है सॉफ्ट कोरल हार्ड कोरल ठीक है चलिए सिग्निफिकेंस क्या है कोरल रीफ का क्या जरूरी है भाई देखो मैंने बता दिया कोरल रीफ दोस्तों 25 परसेंट मराइन डाइवर्सिटी को सपोर्ट करती है आप कोरल रीफ को हटा दो 25 प्रतिशत मराइन डाइवर्सिटी जो है वो आपकी हट जाएगी ठीक है ये सबसे बड़ी बात है यहां पे इंक्लूडिंग फिश टर्टल्स लॉबस्टर ठीक है ये और दुनिया का केवल एक प्रतिशत एरिया ये कवर करती है लेकिन 25 परसेंट जीवों को सपोर्ट करती है सोच लो कितना महत्व है इसका मराइन लाइफ जो व सपोर्टेड बाय री फर्दर फ्यूल्स ग्लोबल फिशिंग इंडस्ट्रीज और यहाँ पे प्लैंकटन वगैरह ये सब होते हैं तो इससे फिर दुनिया की जो फिशिंग इंडस्ट्री है उसको इंडायरेक्टली ये क्या करती है सपोर्ट करती है ठीक है ये ना जॉइंट क्लाम्स एंड वेल्स डिपेंड्स अपॉन द कोरल रीफ सिस्टम कह रहा है कि यहां तक जो विशाल क्लाम और जो वेल मछली होती है ना वो भी अपना जिंदा रहने के लिए ना इसी पे डिपेंड होती है कोरल रीफ इकोसिस्टम सिस्टम दो दशमलव सात ट्रिलियन दो दशमलव सात ट्रिलियन डॉलर की एनुअल इकोनॉमिक वर्थ जनरेट करती है कोरल रीफ जरूरी है क्योंकि हमें हर चीज को पैसे के टर्म्स में देखने की आदत तो देख लो इतना पैसा जो है ये हर साल जनरेट कर रही है ऑस्ट्रेलिया के अंदर में मैंने बताया दोस्तों ठीक है फोर पॉइंट सिक्स बिलियन डॉलर और साठ हजार लोगों को जॉब मिल रही है इसके अलावा बहुत सारी और भी वैल्यू एडेड है जो हमें दिखती नहीं जैसे एक्वाटिक लाइफ को सपोर्ट करती है ठीक है ये स्ट्रॉम वाटर स्ट्रॉम वेव से हमें प्रोटेक्ट करती है जो समुद्र में तूफान आ जाए तो उसको ये धीरा करने में क्योंकि एरिया के आसपास ही पाई जाती है ठीक है तो सोच के देखो कल को ऑस्ट्रेलिया के अंदर में मान लो इधर से कोई तूफान आए तो यहां पे ग्रेट बैरियर रीफ है तो इस तूफान को क्या कर देगी रीमा कर देगी तो ये इसके बिना पैसे वाले भी फायदे बहुत हैं इसके ठीक है तो ये भी फायदे हैं इसके अब बात करते हैं दोस्तों रिलेटेड सर्च की गाइज एक रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ के यार प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार ठीक है कईयों ने कर दिया है जिन्होंने कर दिया बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत प्यार यार जिन्होंने नहीं किया है प्लीज उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करें दोस्तों आपके इस चैनल को मैं फुल फ्लेस्ड एकदम बढ़िया यूपीएससी का चैनल हम बना रहे हैं तो उसके लिए हमारा पूरा पूरा प्रयास है आपसे भी हमारा यह अनुरोध है कि आप भी इस जो है फिर इस इंडेवर इस में हमारी मदद करें और इस चीज़ को आगे ले जाने में हमारी मदद करें और और भी बहुत सारा आपका जो रोल है इसके अंदर आपकी जो भूमिका है वो हमारे साथ मिलकर इसको निभाइए आगे लेके चलना है इस चैनल को इस पर मैं अभी शॉर्ट्स भी बनाएंगे हम उनको भी प्लीज़ यार देखा करो फॉरवर्ड किया करो और साथ ही साथ में दोस्तों हम जो है कुछ अच्छे कंटेंट अच्छी वीडियो भी इस पे बनाने वाले हैं यूनाइटेड नेशन इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि आईपीसीसी ओशन एसिडिफिकेशन क्या होता है उसका इंपैक्ट क्या होता है मेरा टॉपिक है यूट्यूब पर बकाया जाके आप देख सकते हो ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं ठीक है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है तो ये आपको समझना है सो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेटेड सर्च ये रिलेटेड सर्च का टॉपिक है समझ में आया दोस्तों समझ में आया दोस्तों समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में एक बार ओके की रिपोर्ट कर दो सारे बच्चे यार प्लीज अगर समझ में आ गया तो ओके की रिपोर्ट कर दीजिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रिलिम स्पेसिफिक प्री के संबंध संदर्भ में कौन सा मुख्य बात है दो व्हाट इज द ग्रेट बैरियर रीफ ये ग्रेट बैरियर रीफ क्या होती है टाइप ऑफ कोरल रीफ कितने प्रकार की कोरल रीफ पाई जाती है इनका महत्व तो क्या है वट इज द सिग्निफिकेंस अबाउट सिम्बायोटिक रिलेशन मैंने बताया था एक दूसरे पर निर्भर रहना वो उसकी जरूरत पूरी कर रहा है वो उसकी उसको सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं कोरल ब्लीचिंग क्या होती है जूज एंथेला मर जाएगा क्योंकि जो वो जूज एंथेला है जो एल्गी होती है दैट इज वेरी सेंसिटिव टू द टेम्परेचर चेंज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का तापमान बढ़ रहा है तो जूज एंथेला मर जाता है उसी की वजह से कोरल ब्लीचिंग होती है हिस्ट्री ऑफ ब्लीचिंग कब से स्टार्ट हुआ था इसके ऊपर भी हमने एक टॉपिक किया हुआ है

ब्लीच कॉरल कैन सर्वाइव डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ ब्लीचिंग कहता है एक बार जो ब्लीच हो गई वो सर्वाइव कर सकती है अगर समुद्र का तापमान ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम जो है वो नॉर्मल हो जाए तो जल्दी बताइए बच्चों कौन सा इसके अंदर में सही है विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स जल्दी बताएंगे कौन सा इसमें सही है और कौन सा नहीं है भाई मनमोहन जी देख लिया मैंने यार लेकिन अभी तो बनेगा नहीं मित्र अभी तो नहीं बनेगा ना बना देंगे उस पर वीडियो बट आप जो कह रहे हो अभी तो नहीं हो सकता तुरंत की तुरंत की अभी कर दें सो so वो टाइम लेगा ना थोड़ा कर दूंगा मना कहाँ कर रहा हूँ आपको बताओ हैं भाई मैंने मना किया आपको नहीं किया ना ठीक है हाय हाय मिर्ची उफ उफ मिर्ची बहुत दिनों में दिखी है चलिए बहुत बढ़िया आपने मिर्ची मिर्ची कर दी प्रकृति और देशों को बहुत प्रकृति ने और देशों को बहुत कुछ दिया है लेकिन भारत को कुछ नहीं दिया पता नहीं क्यों हमसे अरे भारत को तो इतना कुछ दे रखा है यार क्यों नहीं दिया <laughs> भारत को बहुत कुछ दे रखा है लेकिन भारत को एक चीज़ और दे रखी है वो जनसंख्या और उसकी वजह से सब कुछ डेटोरेट हो रहा है इंडिया जैसा डाइवर्स क्लाइमेट डाइवर्स तो है ही नहीं कहीं पे कौन सा ऐसा देश है जहां पर हिमालय जैसे बड़े माउंटेन है बताइए जरा कौन सा ऐसा देश है जहां सुंदरवन जैसे डेल्टा है मैनग्रूव हैं कौन सा ऐसा देश है जहां पर रेगिस्तान थार जैसा मरुस्थल है ठीक है भारत के अंदर तो सब कुछ है भाई सब कुछ एवरीथिंग समझ रहे हो इंडिया अपने आप में संपूर्ण है भाई ओके इसका सही जवाब क्या है दोस्तों डी मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है ठीक है मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है टॉपिक और ये क्वेश्चन भी ट्राइबल डेवलपमेंट रिपोर्ट दो तो ये एक रिपोर्ट आई है पहली बार इस प्रकार की कोई रिपोर्ट आई है ट्राइबल डेवलपमेंट में अच्छा एक बात बताओ भारत के अंदर में सबसे बड़ी लार्जेस्ट ट्राइब कौन सी है संथाल ट्राइब सबसे बड़ी ट्राइब है और भारत के अंदर में ऐसी कितनी ट्राइब है वो देखते हैं अभी ठीक है कितनी ट्राइब है तो पहला अपने आप में जो ट्राइबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2022 की पहली इस प्रकार की रिपोर्ट जो है हमारे समक्ष आई है हमारी सामने देखने को मिली है स्टडी लुक्स इन टू द स्टेटस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज एट ऑल इंडिया लेवल एंड इन सेंट्रल इंडिया ठीक है तो इस पे बात कर लेते हैं जीएस पेपर दो इशू रिलेटेड टू द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू द हेल्थ एजुकेशन तो जीएस पेपर टू से है तो सबसे पहली बात क्या है तो ये रिपोर्ट किसने दी है भारत रूरल लाइवलीहुड फाउंडेशन ठीक है एक सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ किसके अंदर में आता है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंदर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है सो so, भारत रूरल लाइवलीहुड फाउंडेशन एक इंडिपेंडेंट सोसाइटी के रूप में सेटअप की गई है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर तो मंडे को इसने पहली ट्राइबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 जो है वो जारी की है तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत स्थापित एक स्वतंत्र संस्था भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन ने सोमवार को अपनी तरह की पहली जनजातीय विकास रिपोर्ट 2022 जो है वो जारी की है द रिपोर्ट लुक्स एट द स्टेटस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी एट ऑल इंडिया लेवल हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर ऑल इंडिया लेवल के ऊपर में हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे देश के अंदर में ट्राइबल कम्युनिटी है जो जनजातीय समुदाय है उसकी क्या स्थिति है उसके ऊपर बात कर रही है 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 इस रिपोर्ट का गोल क्या है गोल क्या दोस्तों कि हमारे देश के अंदर में जो डिफरेंट स्टेक होल्डर हैं जो पॉलिसी बनाते हैं ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए हम उनको डेटा दे सके इनपुट दे सके ताकि वो बेटर पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर सके सर द गोल इज टू रिपोर्ट द गोल ऑफ द रिपोर्ट इज टू इन्फॉर्म स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग की पॉलिसी मेकर प्रैक्टिशनर एक्टिविस्ट एंड एकेडमिक्स टू हेल्प अंडरस्टैंड ऑफ ट्राइबल इश्यूज कि ट्राइबल इश्यूज क्या हैं ट्राइबल जो हमारे आदिवासी मुद्दे हैं वो क्या हैं उनको समझने के लिए जो हमारे देश के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको हम यहाँ पे बात बता रहे हैं इट हाईलाइट द नीड फॉर अ पैराडाइम शिफ्ट टू एग्रो इकोलॉजी अब इसकी क्या क्या मुख्य बातें रही हैं इसने क्या क्या बात कही है इसने बात की है ठीक है इसने क्या क्या इश्यूज को हाईलाइट किया है दोस्तों वो देख लेते हैं इसने हाईलाइट किया कि हमारे देश में जरूरत है हमें पैराडाइम शिफ्ट की दोस्तों किसके अंदर में एग्रो इकोलॉजी बेस्ड ठीक है हमें कृषि पारिस्थितिक आधारित प्रकृति सकारात्मक खेती और स्थानीय संस्थाओं द्वारा संचालित स्थायी जल उपयोग के प्रतिमान बदलाव की आवश्यकता पर प्रकाश इसने डाला है इसने कहा है कि हमें जो एग्रो इकोलॉजिक बेस्ड और नेचर पॉजिटिव फार्मिंग जो है वो हमें करनी चाहिए हमें जो वाटर है उसका सस्टेनेबल यूज करना चाहिए ड्रिवन बाय द लोकल इंस्टीट्यूशन जो हमारे स्थानीय जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके माध्यम से इन्होंने कहा है कि जो हमारा पीसा एक्ट है उसको हमें पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहिए अगर हम ट्राइबल डेवलपमेंट अच्छे से चाहते हैं हम चाहते हैं कि ट्राइबल्स हमारे देश के अंदर में उनका विकास हो ट्राइबल्स का डेवलपमेंट हो सबसे पहला क्या कि हमारे देश के अंदर में जो एग्रो इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उस पर ध्यान देना पड़ेगा हमारे देश के अंदर में जो वाटर है ठीक है वाटर से रिलेटेड है उन पे ध्यान देना पड़ेगा हमारा जो पीसा एक्ट है जो पंचायत को हम मेन भूमिका देते हैं मेन रोल देते हैं दोस्तों लोकल अफेयर्स के अंदर उस पर ध्यान देना पड़ेगा इट ऑल्सो प्रेजेंट अ प्रोसेस रिपोर्ट ऑन इंप्लीमेंटेशन ऑफ पीसा पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट पीसाइन एटीटी सिक्स एंड फॉरेस्ट

अगर हम बात करें कौन सी लार्जेस्ट ट्राइब है तो कह रहा है, देखो संथाल। संथाल जो है, ट्राइब, है। और समूह स्प्रेड अक्रॉस द असम बिहार छत्तीसगढ़ झारखंड उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल आप देखोगे तो असम में बिहार में छत्तीसगढ़ में झारखंड उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के अंदर में फैले हुए कौन फैले हुए दोस्तों संथाल ट्राइब जो है फैली हुई है आगे बढ़ेंगे मित्रों इसके अंदर हाउ मेनी ट्राइब्स आर देयर इन द इंडिया 2022 के अंदर कितनी ट्राइब है तो भारत के अंदर कितने दो सात सौ एथनिक ग्रुप है अलग अलग ट्राइब्स के जो पाए जाते हैं शेड्यूल ट्राइब जिनको हम कहते हैं सेंट्रल सेंट्रल इंडिया इंडिया के अंदर में अगर हम बात करें इज द द होम ऑफ ऑफ 80 ट्राइबल सेंट्रल इंडिया अगर मैं बात करूं तो मैं एमपी की एमपी के अंदर सबसे ज्यादा शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन हमारी पाई जाती है एम पी हो गया छत्तीसगढ़ हो गया ठीक है ये जो एरिया है ठीक है यूपी झारखंड ठीक है ये जो एरिया है इट अक्यूमुलेट 80% परसेंट ऑफ द ट्राइबल ऑफ़ द कंट्री देश की अस्सी प्रतिशत प्रॉब्लम ऑफ ट्राइबलिटी से संबंधित बड़ी बड़ी बातें है? है, और सांस्कृतिक जो एक्सेप्टेंस इनको मिलनी चाहिए वो नहीं है तो समाज के अंदर में जब ये रहते हैं तो बहुत सारी सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं इनके सामने आती है क्योंकि ये लोग थोड़े अलग हैं तो समाज इनको एक्सेप्ट नहीं करता सबसे बड़ी वो प्रॉब्लम है इनके सामने प्रॉब्लम ऑफ असेंबली विद नॉन एक सबसे बड़ी है इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी बैकवर्डनेस आर्थिक और तकनीकी पिछड़ापन ये भी एक बड़ा मुद्दा है लिटरेसी अमंग ट्राइबल इज द मेजर इंड्रेंस टूर डेवलपमेंट कह रहा है आदिवासियों में शिक्षा उनके विकास के लिए एक बड़ी बाधा रहेगी ठीक है सो दीज आर द ट्राइबल कम्युनिटी एक ज्ञान आया है आशिकी प्रेम प्यार मोहब्बत मोटिवेशन पढ़ाई से रिलेटेड अन्य मुद्दे बेहद आसान हैं, चाहे मुझे कोई भी टॉपिक दिया जाए तो हर टॉपिक पे बोल लेती हूं बहुत बढ़िया शानदार आप पे तो बात फिट होती है मोदी जी की कैसे तेजस्वी लोग हैं यहाँ पे <laughs> कैसे तेजस्वी लोग हैं यहाँ पे बताइए जरा आगे बढ़ते हैं दोस्तों रिलेटेड सर्च में दोस्तों थोड़ा संथाल ट्राइब के बारे में पढ़ना और साथ साथ में जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है एफ उसके बारे में भी जाके थोड़ा सा रिसर्च करना आप तो बट बै, बेहतर रहेगा प्रलिम्स के मुद्दे हैं सर आपको ट्राइबल डेवलपमेंट प्लान क्या होता है ट्राइबल डेवलपमेंट रिपोर्ट इनकी मेजर फाइंडिंग्स क्या है भारत रूरल लाइवलीहुड फाउंडेशन के बारे में लार्जेस्ट ट्राइब कौन सी है भारत के अंदर में वट आर द मेजर प्रॉब्लम विद द ट्राइबल कम्युनिटीज ट्राइबल कम्युनिटीज से संबंधित मेजर प्रॉब्लम भारत में क्या है सो दीज आर द प्रलिम्स स्पेसिफिक मुद्दे ये प्री स्पेसिफिक मुद्दे हैं जानना आपके लिए बहुत जरूरी है बहुत आवश्यक है ठीक है तो ये प्रिलिम्स में आपसे पूछे सकते हैं अब मैं बात करता हूं दोस्तों डिजिटल रूपी अपनी नई जो है न्यूज के बारे में बात करता हूं ऑल इंडिया जो रेडियो है उसके ऊपर ही आई हुई थी तो डिजिटल रूपी हम कई घने टाइम से सुन रहे हैं जब बजट आया था ना तब से सुन रहे थे बजट में ही निर्मला सीतारमन ने कहा था कि हम भारत के अंदर में ना जो करेंसी प्रिंटिंग की कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है ये बहुत ज्यादा पड़ जाती है तो हम इनसे कर इनसे करने के लिए हम एक ऑल्टरनेट चीज लेके आ रहे हैं दूसरा लोग जो है क्रिप्टो की तरफ ज्यादा भाग रहे थे है ना तो कह रहे ठीक है हम तुम्हें क्रिप्टो वाली फील इंडियन करेंसी में ही देंगे मतलब काइंड ऑफ एग्जैक्ट नहीं है तो भारत ने कहा कि भाई ठीक है हम भी क्या करते हैं इंडिया बोला आरबीआई बोला भारत सरकार बोली कि हम भी डिजिटल करेंसी लेके आएंगे जिसका नाम होगा डिजिटल रूपी लेकिन ये क्रिप्टो की तरह नहीं होगा क्रिप्टो तो कुछ होता ही नहीं है ये प्रॉपर करेंसी है जो भारत सरकार के द्वारा बैक है इस करेंसी को तुम कभी भी जो आपके पास जो फिज़िकल करेंसी उसमें कन्वर्ट कर सकते हो ये पूरी तरीके से लीगल टेंडर है भारत सरकार जो है आपको पूरा पूरा वो कहती है कि भाई वो लिखा होता है ना मैं धारक को इतना रुपए देने का तो इसमें भी वही है सेम ठीक है तो ये जो करेंसी है इट वाज बैक बाय द फी करेंसी ठीक है तो भारत सरकार इसको सपोर्ट करती है आर का गवर्नर आपको धारक को अदा करने का वचन देता है तो हम कई टाइम से सुन रहे थे कि हम लेके आएंगे लेके आएंगे इसका फ़ायदा बहुत है देश के अंदर में कि भैया जो हमारी करेंसी प्रिंटिंग की जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी एक हज़ार रुपये का नोट बनाने में सौ रुपये का खर्चा आ जाता होगा ठीक है तो वो करेंसी प्रिंटिंग की नोस्ट कॉस्ट कम हो जाएगी फिर ये हज़ार नोट ऐसा नहीं है जिंदगी भर चलता रहेगा एक दिन में फटके वो ख़त्म भी हो जाएगा तो फिर नया छापना पड़ेगा फिर इनको ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ता है ए टी तो इसकी कॉस्ट बहुत है तो इससे अच्छा क्या है डिजिटल करेंसी कर देते हैं भाई ठीक है लेकिन उसके चैलेंजेस भी हैं भाई चैलेंजेस क्या हैं सर साइबर स्कैम हो सकते हैं लोग देश के अंदर जनता इतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि उनको ये चीज़ें समझ में आए डिजिटल समझ में है आधे लोग अभी भी है शायद उनको नोट देखना भी नहीं आता ठीक है होते हैं पुराने जो दादा परदादा टाइप के होते हैं ना उनको नहीं आता हमारी जो परदादी थी वो हमें पैसे देते थी तो पहले देखती थी कि मेरी दादी के भी बता रहा हूँ मैं ठीक है वो जब नोट देती थी कि ले देख कितने का है ये ठीक है तो हम उनको देख के बताते थे कि ये सौ का है ठीक है पचास का है हमें ही देती थी वो लेकिन वो पूछ के देती थी देख कितने का नोट है समझ में आ रही बात तो वो बेसिकली चीज जो है अब है भारत के अंदर में इतनी लिटरेसी है तो फिर वो कैसे दूर होगी तो ये सब मुद्दे हैं जो जिनकी वजह से तो अभी सरकार ने कहा कि ठीक है यार ऑल इन नहीं करते हैं कि पूरे देश में एक ही बार लॉन्च नहीं करेंगे हम ऐसा करते हैं इसको फेजेस में करते हैं पायलट फेज करते हैं तो पहला पायलट फेज जो है भारत सरकार अभी उसको लॉन्च करने वाली है पायलट फेज का क्या मतलब पायलट का मतलब क्या छोटे लेवल पे करके देखेंगे रिजल्ट आया तो फिर पूरे भारत के अंदर में कर देंगे तो अभी फेज वन जो है वो हम शुरू करने वाले हैं आरबीआई अनाउंस लॉन्च ऑफ फर्स्ट पायलट फॉर द रिटेल डिजिटल रूपी ऑन द फर्स्ट ऑफ दिसंबर पहले दिसंबर से अभी ये शुरू हो जाएगा रिजर्व बैंक ने कहा है कि भैया एक दिसंबर से डिजिटल रुपी जो है वो हो जाएगा लेकिन ये कुछ कुछ में ही होगा कुछ कुछ बैंक ही इसमें डील करेंगे ठीक है अगर बढ़िया चला तो फिर बाद में पूरा होगा अब कौन कौन से करेंगे आठ बैंक है जिनको आइडेंटिफाई किया गया है ठीक है फेज वाइज पहले फेज में दूसरे वाइज में जो इसके अंदर में पार्टिसिपेट करेंगे द फर्स्ट फेज विल बिगिन विद द फोर बैंक पहला फेज चार बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आईसीआईसी बैंक यस बैंक और आई फर्स्ट बैंक ठीक है चार शहर जो है देश के अंदर छाटे गए हैं दोस्तों में इंक्लूड करेंगे इसके अलावा अगर हम बात करें पायलट वुड इनिशियली कवर फोर सिटीज स्टार्टिंग में चार शहर कवर करेंगे पहला मुंबई फिर नई दिल्ली बैंगलोर भुवनेश्वर ठीक है बाद में इसको हम अहमदाबाद और गैंगटोक गुवाहाटी हैदराबाद इंदौर कोची लखनऊ पटना और शिमला अभी के लिए हम सिर्फ और सिर्फ कहां पर मुंबई नई दिल्ली बेंगलुरु और भुवनेश्वर ठीक है यहां पे कर रहे हैं लेटर ऑन वी विल हम इसको बाद में बढ़ाएंगे द स्कोप ऑफ द पायलट में बी ग्रेजुअली ठीक है वही मैंने बोला धीरे 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 करके इसमें बैंक जो है वो भी बढ़ाए जाएंगे ठीक है धीरे धीरे करके दोस्तों इसके अंदर में जो लोकेशन है जहां जहां पर अवेलेबल है वो भी हम क्या करने वाले हैं इंक्रीज करने वाले हैं आरबीआई ने कहा है द पायलट पायलट का मतलब तो आप छोटे लेवल पे द पायलट वुड कवर

दो आपस में आप एक दूसरे के साथ भी एक्सचेंज कर सकते हो या आपको कहीं पेमेंट करनी है तो उस पर मर्चेंट के पास में स्कैनर लगा होगा उसका स्कैन करके उस बैंक की ऐप से तो वो भी आप कर सकते हो तो ये इसके क्या है फायदे हैं अब ये है क्या यार दोस्तों सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इसको बोलते हैं तो ये पहली देश की हमारी नेशनल डिजिटल करेंसी हम खुद लॉन्च करने वाले हैं ठीक है तो जैसे हमारे देश की फियाट करेंसी वैसे ही है ये ठीक है बट ये डिजिटल फॉर्म में है रुपया ही है बट ये डिजिटल फॉर्म में है तो अब ये कह रहा है कि इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग नोट अगर ये हो जाता है तो हमें नोट छापने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा इलेक्ट्रॉनिक टोकन जारी करेगा और बहुत सारा खर्चा जो है देश का बच जाएगा दिस टोकन वैल्यू इज बैक बाय द फुल फेथ एंड क्रेडिट ऑफ द गवर्नमेंट कह रहा है कि ये जो टोकन मूल्य है ये पूरी तरीके से सरकार के द्वारा समर्थित होगा सरकार इस पर अपनी पूरी गारंटी ले रही है इट इज नॉट कंपेरेबल विद प्राइवेट वर्चुअल करेंसी जैसे क्रिप्टो जैसा कुछ भी नहीं है सरकार ने बोल दिया है इट विल बी अ विन बैक डिजिटल करेंसी कह रहा कि ये एक संप्रभु समर्पित डिजिटल मुद्रा जो है ये होने वाली है मतलब पूरी तरीके से भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको सपोर्ट करने वाला है बहुत बढ़िया सर इसमें लेन देन कैसे करेंगे ट्रांजेक्शन हो जाएगा एक आदमी से दूसरे आदमी या एक आदमी से जो मर्चेंट्स है आप उसमें पेमेंट कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए क्या होगा क्यूआर कोड रखा होगा मर्चेंट्स के वहां पे तो आप उसको स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो डिजिटल रुपी वुड ऑफर फीचर्स ऑफ फिजिकल कैश लाइक ट्रस्ट सेफ्टी एंड सेटलमेंट फाइनलिटी ठीक है तो ये सारी चीजें इसके अंदर रहती है एज इन द केस ऑफ कैश इट जब कैश होता है ना ठीक है तो इसको भी कैश में आप कन्वर्ट कर सकते हो ठीक है इसको भी आप बैंक में डिपॉजिट करके खाता खुलवा के ठीक है वहां डिपॉजिट कर सकते हो डिपॉजिट करोगे उस टाइम पे इस पर ब्याज भी आने लग जाएगा ठीक है सारी फैसिलिटी है इसमें दिस पायलट विल टेस्ट द रॉबर्टनेस अभी हम क्यों कर रहे हैं हम इसलिए कर रहे हैं कि मान लो बड़े स्केल पे जब हम लॉन्च करें तो क्या हमारे हमारा जो सिस्टम है वो इस लायक है कि इसको झेल पाएगा ठीक है तो इसकी रोबस्टनेस को हम चेक कर रहे हैं डिफरेंट फीचर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ द डिजिटल रूपी टोकन एंड आर्किटेक्चर विल बी टेस्टेड इन फर्दर एंडलट्स आगे जाके ना और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम टेस्ट करने वाले हैं इसके अंदर में इससे जो लर्निंग मिलेगी हमें जो सीख मिलेगी उनको हम आगे इंप्लीमेंट करेंगे कोशिश करेंगे कि इसको पूरी देश में हम जो है इंप्लीमेंट कर दें ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों ये देख रहे हो आप ये एक जीव है ठीक है ये एक जीव है और बेसिकली इसके पास एक पूंछ भी होती है एक मैमल्स है ये स्तनधारी है और इसकी एक पूंछ होती है और इसकी पूंछ की खास बात है पता है ऐसे दो ही जीव है जिनकी पूंछ से वो कुछ कुछ कर सकते हैं ठीक है तो ये कि अपनी पूंछ से ना किसी भी चीज को पकड़ सकते हैं यूजुअली पूंछ में जान नहीं होती लेकिन ये इनकी पूंछ ऐसी है ना ये पांचवा पैर है इनका एक मान, एक किस्म से जब ये चढ़ते हैं तो इस पूंछ का इस्तेमाल करते हैं इसकी स्पेशल खास बात है तो अभी यार मैं अगर आपको बताऊं तो ये जो न्यूज आई है सीधा सीधा मणिपुर से आई है कि मणिपुर के अंदर में ना एक बैटिंग और गैम्बलिंग चल रही है ठीक है जुआ हुआ खेलते हैं जो उसमें जीतता है तो फिर उसको इनाम के अंदर में मीट दिया जाता है और वो मीट किसका दिया जाता है दोस्तों वो मीट दिया जाता है इस जीव का वो मीट दिया जाता है फिर किसका जो वाइल्ड बोर है उसका ठीक है हिरण का तो ये जो है ना यार ये कैंडेमिक स्पीसीज है यार तो ये विलुप्त वैसे ही इसको खतरा है तो अभी जो मणिपुर के अंदर में ना ठीक है सरकार जो है इस पर एक्टिव हो गई है बैटिंग फॉर एग्जॉटिक मीट तो इसके ऊपर सट्टा लग रहा है दोस्तों गैम्बलिंग डेंस इन मणिपुर आपका डिसेंस इन टू द इन पुलिस फॉरेस्ट ऑफिसर दे आर स्कैनिंग उकुल ये जगह है मणिपुर के अंदर में एंड इट्स आउटस्कर्ट टू कैच राइफल ड्रॉ ऑर्गेनाइजर एलिजेली ऑफरिंग प्राइज इन द फॉर्म ऑफ वाइल्ड एनिमल मीट तो ये गैम्बलिंग कर रहे हैं और प्राइस के रूप में जो वाइल्ड एनिमल उनका मीट ये जो है वो दे रहे हैं इंक्लूडिंग फ्लाइंग फॉक्स ठीक है जो फ्लाइंग फॉक्स होती है उनका ठीक है और आपका बियर कैट्स रेयर बर्ड्स जो होती है उनका पकड़ पकड़ के उनको मार के ये खा रहे हैं पुलिस और फॉरेस्ट ऑफिसर इसके ऊपर में जो है थोड़ा सा सक्रिय हो गए मैंने बताया कहाँ पर दोस्तों आपका उक्रूल डिस्ट्रिक्ट उक्रूल एरिया है मणिपुर का वहां पर अपार्ट फ्रॉम वाइल्ड बोर जंगली सुअर के अलावा ये हिरण को मार रहे हैं इसके अलावा जो है मैंने आपका है बताया ये जो है ये जीव है जो मैंने अभी बताया बिटूरोंग ये दिख रहा है आपको ये बिटोरोंग ही है ये आपका एबोरियल मैमल्स है मतलब पेड़ पे रहता है ज्यादातर पूरे दिन में आप देखोगे तो पेड़ पे ही टंगा रहता है ठीक है इसको बियर कैट भी कहते हैं भालू बिल्ली भी इसको कहा जाता है दोस्तों ठीक है तो कह रहे हैं कि ये जो रोंग है ठीक है रोंग हो गया स्क्वायरल गिलहरी होगी फ्लाइंग फॉक्स हो गई जिसको बैट भी कहा जाता है ठीक है ये ऑफर में है कि तुम ये सट्टा जीते तुम्हें इनाम में इनका मीट मिलेगा हिरण का ठीक है वाइल्ड बोर का ठीक है ये बिन्टरोंग है इसका उसके अलावा स्क्वाल गिलैरियो का फ्लाइंग फॉक्स का ये मीट इनाम में मिलेगा तो ये चल रहा है सट्टेबाजी में अभी जो बिटरूंग है दोस्तों ये एक मीडियम साइज का मैमल है स्तनधारी है दोस्तों इसको हम बियर कैट भी कहते हैं ठीक है इट इज अ बियर कैट ऑफ विविडा फैमिली तो ये विविडा फैमिली से बिलोंग करता है विच इंक्लूड्स इसके अंदर में सीवेट भी होता है इसी के अंदर में आपका लिंगसांग्स भी होता है एंड आपका जेनेट्स तो बिटरूंग जो है इसको आ, आपका आर्कटिक्टिस बिटुरोंग भी कहा जाता है एक मध्यम आकार का स्तनपाई है जिसे विवरिडा परिवार का भालू बिल्ली के रूप में भी जाना जाता है जिसमें सीवेट और और आपका आपका और जेनेट ये भी आते हैं इसकी नौ प्रजातियां जीनस आर्केटिकस की एक मात्र निवासी है इट इज इट्स नाइन सब स्पीसीज आर सोल ऑक्यूपेंट ऑफ जीनस आर्किटिक ठीक है ये साइंटिफिक चीजें हैं दोस्तों दे कैन वेट अप टू 50 पाउंड 50 पाउंड का वजन इनका हो सकता है बट जो है वो 25 से लेकर 35 पाउंड के बीच में होता है ये टीप, पर पेड़ के ऊपर लटके रहते हैं पे, ठीक है? इनको आई की रेड डेटा लिस्ट के अंदर वेबल जो है वो हमने डिक्लेयर किया हुआ है विंटरोंग जो है रेन फॉरेस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया तो ये कह रहा है कि दक्षिण पूर्वी एशिया के जो वर्षा वन है वहां फ्रॉम नेपाल से भारत में भूटान में साउथ वर्ड जो है ये पाया जाता है जैसे इंडोनेशिया का आइलैंड हो गया सुमात्रा जावा ठीक है ईस्ट वर्ड ऑफ टू द बोर्निया तो यहां पर ये बेसिकली आपको ये जीव जो है देखने को मिलेगा बिंट बिंट्रॉन्ग अच्छा इनकी जो पूछ है उसको बोला जाता है प्री टेल ठीक है क्या बोलते हैं इसको प्री एनसाइल टेल प्री एनसाइल टेल होती है इन दो के पास ही पूछ होती है जिसको हम प्री, प्रीसाइल टेल कहते हैं प्री हेल टेल का मतलब क्या होता है कि इनकी टेल के अंदर में पावर होती है किसी चीज को पकड़ सकते हैं तो दो ही है जिनके पास में तो इनकी जो पूछ है उसमें

ताकि एग्रीगेट जो 4500 मेगावाट अधिक पावर जो है वो परचेज की जा सके ऐसे राज्यों के लिए जिनको पावर शॉर्टेज जो है वो फेस कर रहे हैं सबसे मुख्य बात जो है वो क्या है दोस्तों ये शक्ति स्कीम क्या है तो ये जो शक्ति स्कीम है इसकी फुल फॉर्म है स्कीम फॉर हार्नेसिंग शक्ति स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड अलोकेटिंग कोयला ट्रांसपोर्टेड ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया इसको 2018 में लॉन्च किया गया था ताकि जो कोल है दोस्तों वो प्रोवाइड किया जा सके ऐसी यूनिट्स को जो स्ट्रेस्ड यूनिट्स हैं जहां पर कोयले की कमी है तो ये स्कीम 2018 में हमने स्टार्ट की थी पर्पज़ क्या था कि जिन एरिया के अंदर या जिन पावर प्लांट्स के अंदर में कोयले की कमी से बिजली कम बन रही है वहाँ हम कोयला ट्रांसपेरेंटली पहुँचा सकें द स्कीम विल हेल्प स्टेट्स विद फेसिंग पावर शॉर्टेज एंड हेल्प जनरेशन प्लांट्स टू इंक्रीज देयर कैपेबिलिटीज़ कह रहा कि ये योजना उन राज्यों को मदद करेगी जो बिजली की कमी का सामना कर रहे हैं और उत्पादन संयंत्रों को अपनी क्षमता बढ़ाने में मदद करेगी ये जो पी डेजिग्नेटेड एज द नोडल एजेंसी तो पी एफ सी कंसल्टिंग लिमिटेड को इसका नोडल एजेंसी बनाया है इट हैज इन्वाइटेड बिड्स फॉर द सप्लाई ऑफ पैंतालीस हजार मेगावॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो पैंतालीस बिजली के लिए दोस्तों इसने बिड जो है बोली के लिए बोल दिया है और ये जो सप्लीम सप्लाई है ये कमेंस हो जाएगी कहां से अप्रैल नेक्स्ट ईयर से इसमें बाकी नहीं है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये स्कीम है छोटा सा टॉपिक था ये जो स्कीम है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई कोयला डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि आपको पता भी है दोस्तों कोयले की कमी आई थी ना शॉर्टेज आई थी जब सब लोग कह रहे थे कि सर कोयले की कमी आ रही है कोयले की कमी आ रही है ठीक है तो इसीलिए मैंने पढ़ाया नेक्स्ट जो है एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है आपका ठीक है

तो ये आया हुआ टॉपिक है चलिए थोड़ा पढ़ लेते हैं है कई एक है, है, लोगों के साथ मिलकर भाई लोगों को हेल्प करें कई डिजास्टर हो जाए तो कैसे उसमें रिस्पॉन्स करें तो उससे संबंधित है इसका नाम है समन्वय ये एक्सरसाइज अभी आगरा का जो इंडियन एयरफोर्स है ठीक है उसके द्वारा आगरा के अंदर में की जा रही है आगरा के एयरफोर्स स्टेशन में अभी ये 28 से लेके 30 नवंबर ये चली है ये एक्सरसाइज रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एशियन नेशन तो इस एक्सरसाइज के अंदर में एशिया आशियान जो नेशन है उनके रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ पे थे हमारे देश के हमारे जो क्षेत्र के जो अलग अलग स्टेक होल्डर हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट में किसी ना किसी तरीके से शामिल है तो उन्होंने भी इसमें भाग लिया एम ऑफ दिस एक्सरसाइज टू इंक्लूड असेसिंग द इंस्टीट्यूशनल डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड कंटीजेंसी मेजर हमने क्यों किया है दोस्तों इस अभ्यास का मतलब ये है कि हमारे देश के अंदर में जो अलग अलग एजेंसीज हैं जो डिजास्टर के अंदर में डिजास्टर के केस के अंदर में काम करती है उनकी एफिशियंसी कितनी है वो कितनी एफिशियंट है डिजास्टर के समय पर काम करने में ठीक है वो हमने यहां पे देखा है दिस एक्सरसाइज प्रमोट्स अ सिनर्जेटिक अप्रोच बाय इन्वॉल्विंग वेरियस स्टेक होल्डर तो इसमें बहुत सारे जो स्टेक होल्डर हैं हितधारक हैं उनको शामिल किया गया है ठीक है इट इन्वॉल्व डिजास्टर मैनेजमेंट जो डिजास्टर मैनेजमेंट में शामिल थे द एक्सरसाइज विल एड इ्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंटरऑपरेटिविलिटी कॉपरेशन इन एच कह रहा है कि ये अभ्यास ्यूमन असिस्टेंस इन डिजास्टर उसके लिए प्रभावी संचार और अंतर संचालीनता सहयोग के लिए संस्थागत ढांचे का क्या करेगा दोस्तों ये विकास करेगा बहुत बढ़िया दिस एक्सरसाइज आल्सो एम्स टू इंप्रूव आ यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर एक्सचेंज ऑफ डोमेन इसे नॉलेज भी होगी यार ठीक है आपस में नॉलेज एक्सचेंज करेंगे ठीक है जो स्टेक होल्डर्स है जो पार्टिसिपेटिंग आशियन कंट्रीज है उनके साथ में अच्छा दोस्तों ये ऑफर चल रहा है मैंने आपको बताया दो दिन के लिए तो और भी अच्छा ऑफर है 18 मंथ का ठीक है 18 मंथ का कॉम्बो आप अगर देखोगे तो अभी कल आज आज के लिए था आज ख़त्म हो जाएगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ कितने मिल रहा था पता है आपको उनचास हजार रुपये के अंदर और सिक्स मंथ के लिए कितने मिल रहा था सिक्स मंथ के लिए मिल रहा था छब्बीस हज़ार के अंदर तो जाइए फटाफट जाके ज्वाइन कर लीजिए इसको तो ये टेलीग्राम चैनल है दोस्तों बाकी ये भी ऑफर चल ही रहा था टेलीग्राम चैनल है जो नहीं है यार मेरे से जुड़ जाइए जब आप सब्सक्रिप्शन करते हैं तो सब्सक्रिप्शन बेसिकली दो प्रकार के होते हैं आइकॉनिक और प्लस

तो अगर आपको बेटर सपोर्ट चाहिए तो आइकॉनिक नहीं तो प्लस सब्सक्रिप्शन ठीक है सो ये चीज़ है आपको ध्यान रखना है बाकी ये अभी का वर्तमान का ऑफर है ये भी है और ये तो बेस्ट ऑफर चल ही रहा है दोस्तों ठीक है तो आप जाके इसको क्या कर सकते हो ज्वाइन कर सकते हो आज नहीं होगा यार एम आज नहीं है आज एमसीक्यू की क्लास नहीं है ठीक है देखो इन सारी चीजों से मैंने एक एक एस्टिमेट बनाया है कि कब कब हम अपनी क्लास रख सकते हैं तो बहुत जल्दी जब हमारे दो तीन टीचर और हमारे साथ जुड़ जाएंगे ना तो विल शेयर अ न्यू टाइम टेबल विद यू हम एक नया टाइम टेबल भी आपके साथ में क्या करेंगे शेयर करेंगे ठीक है सर नोट्स रिलेटेड सर्च के थ्रू बना सकते हैं क्या हाँ हाँ प्राची रिलेटेड सर्च का तो बनाओ यार वो करते रहो ठीक है देखो जो आपकी पढ़ाई में आपको बेहतर बनाने के लिए आपको लगे कि मुझे करना चाहिए वो करो ठीक है उसके अंदर में रुको मत कभी भी आपको कर लग रहा है कि ये चीज मुझे अच्छी बनाएगी ये चीज मुझे बेहतर बनाएगी उस चीज को करो उस चीज़ में ना फिर पीछे मत हटो देखो मत सोचो मत ठीक है कि क्या होगा क्या नहीं होगा ठीक है जस्ट डू इट आपको लग रहा है कि ये आपके लिए बढ़िया आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे जाएगी तो लेके जाओ उसको तो ये टेलीग्राम चैनल है बच्चों इससे जुड़ जाना किसी ने नहीं किया है तो अभी पीडीएफ डी एफ में यहाँ पर दे दूंगा ठीक है आपको पीडीएफ अभी तुरंत मिल जाएगी ठीक है चलिए सुबह मिलते हैं मॉर्निंग के अंदर अपनी एडिटोरियल की क्लास में बाय टेक केयर जय हिंद दोस्तों